मेरा नाम हर्षा चावड़ा, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मुझे पिछले 5-6 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी और मैं टैबलेट्स ले रही थी। मुझे 1 साल पहले मैं दिल्ली से हिसार जा रही थी तो ट्रेन में एक मेरी सीट के साथ बैठे थे, उनसे बात हुई, पंकज जी उनका नाम है, भटिंडा में रहते हैं, तो उन्होंने उनका भी नेचुरल लाइफस्टाइल से ही ट्रीटमेंट हुआ और बिल्कुल ठीक हो गए और काफ़ी ज़्यादा उनको, वो 2 साल से बेड पे ही पड़े थे। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे नेचुरल लाइफस्टाइल आचार्य जी का बताया कि आप वीडियोस देखिए। उसके बाद इस बात को 5-6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद मैंने वीडियोस देखे और फिर मैंने लास्ट 1 मंथ पहले अपना टेस्ट करवाए, अपने लिपिड प्रोफाइल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, ओबेसिटी के कारण बॉडी में प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैंने सोचा अब बस, अब मेडिसिंस नहीं लेनी, पूरी उम्र के लिए मेडिसिंस बिल्कुल नहीं लेनी। तो बस मैंने समझो कि प्रार्थना की परमात्मा से और परमात्मा ने ही रास्ते बनाए। मेरे को अचानक ही मैंने एक दिन पहले पूछा अपनी फ्रेंड से, उनके चाचा ससुर करके आए थे, नेचुरल लाइफस्टाइल से दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो भी यही पूरा फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। फिर उनसे बात हुई, कुदरती पानीपत कैंप वर्कशॉप थी एक दिन की, मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके वहाँ आई और बस उस दिन तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये कैंप ज्वाइन करना ही है। तो फिर उसके बाद मैंने कैंप ज्वाइन किया, मुझे इतना अच्छा लगा जो साइंटिफिकली पूरा बताते हैं, जिस तरह से हमें समझो कि बचपन से मिलना, शुरू से मिलना चाहिए लाइफस्टाइल, तो वो हमें अब आके मिला है, 40s की एज में आके मिला है। तो ये समझो कि एक तरह की, और जिस तरह से आचार्य जी ने समझाया, एक प्रिपेयर किया हमें इस लाइफस्टाइल पे चलने के लिए, और जो जिस एक साइंटिफिकली वे से कि हम सिर्फ फूड हैबिट्स चेंज करके, थोड़ी से नेचुरोपैथी जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो करके हम पूरी लाइफ हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और वो भी बिना दवाइयों के, ये अमेजिंग है। मैंने 2 kg वेट भी लॉस किया इन 4 दिनों में, और वैसे मैं कैंप के बाद आचार्य जी को ये जो बताया था कुछ कुछ फॉलो कर रही थी, 40%, उससे मेरा 3.5 kg 15 days में भी चला गया, और मैं बीपी की टैबलेट्स पहले ही छोड़ के आ गई थी। यहां भी मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, बीपी नॉर्मल है। मैं दिल से आभारी हूं आचार्य जी का, पूजा जी का, मैं बहुत आभारी हूं। मेरा नाम हर्षा चावड़ा, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मुझे पिछले 5-6 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी और मैं टैबलेट्स ले रही थी। मुझे 1 साल पहले मैं दिल्ली से हिसार जा रही थी तो ट्रेन में एक मेरी सीट के साथ बैठे थे, उनसे बात हुई, पंकज जी उनका नाम है, भटिंडा में रहते हैं, तो उन्होंने उनका भी नेचुरल लाइफस्टाइल से ही ट्रीटमेंट हुआ और बिल्कुल ठीक हो गए, और काफ़ी ज़्यादा उनको, वो 2 साल से बेड पे ही पड़े थे। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे नेचुरल लाइफस्टाइल
आचार्य जी का बताया कि आप वीडियोस देखिए, उसके बाद इस बात को 5-6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद मैंने वीडियोस देखे और फिर मैंने लास्ट एक मंथ पहले अपना टेस्ट करवाए, अपने लिपिड प्रोफाइल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, ओबेसिटी के कारण बॉडी में प्रॉब्लम्स आ गई, तो मैंने सोचा बस अब मेडिसिंस नहीं लेनी, पूरी उम्र के लिए मेडिसिंस बिल्कुल नहीं लेनी, तो बस मैंने समझो कि प्रार्थना की परमात्मा से और परमात्मा ने ही रास्ते बनाए। मेरे को अचानक ही मैंने एक दिन पहले पूछा अपनी फ्रेंड से, उनके चाचा ससुर करके आए थे, नेचुरल लाइफस्टाइल से दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो भी यही पूरा फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। फिर उनसे बात हुई, कुदरती पानीपत कैंप वर्कशॉप थी एक दिन की, मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके वहां आई और बस उस दिन तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये कैंप ज्वाइन करना ही है। तो फिर उसके बाद मैंने कैंप ज्वाइन किया, मुझे इतना अच्छा लगा जो साइंटिफिकली पूरा बताते हैं, जिस तरह से हमें समझो कि बचपन से मिलना, शुरू से मिलना चाहिए लाइफस्टाइल, तो वो हमें अब आके मिला है, 40s की एज में आके मिला है, तो ये समझो कि एक तरह की, और जिस तरह से आचार्य जी ने समझाया, एक प्रिपेयर किया हमें इस लाइफस्टाइल पे चलने के लिए, और जो जिस एक साइंटिफिकली वे से कि हम सिर्फ फूड हैबिट्स चेंज करके, थोड़ी से नेचुरोपैथी जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो करके हम पूरी लाइफ हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और वो भी बिना दवाइयों के, ये अमेजिंग है। मैंने 2 kg वेट भी लॉस किया इन 4 दिनों में, और मैं बीपी की टैबलेट्स पहले ही छोड़ के आ गई थी, यहां भी मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, बीपी नॉर्मल है। मैं दिल से आभारी हूं आचार्य जी का, पूजा जी का, मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम एरिका है और मैं गुड़गांव से हूँ। सो मेरे को यहाँ पर 2 experiences ऐसे मिले जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार घर में होते थे तो हमेशा मन को शांत करने की कोशिश करते रहते थे, पर तब भी थॉट्स आते ही रहते थे। यहाँ आके मेरा मन इतना शांत हो गया और मैं खुद सोचने लगी, क्या ये सही हूँ? मैं कोशिश करती रही कुछ और सोचने की, मन में कुछ लाऊं, घर के बारे में कुछ लाऊं, पर कुछ नहीं आया। ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, एंड थैंक यू सो मच आचार्य जी एंड पूजा जी कि मैंने इस जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस किया। एक और चीज जो थी, जब हम लोग सन गेजिंग करते थे और उसके बाद हम लोग हाथ अपने आंखों पे रखते थे, हमेशा अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता था, हमेशा सिर्फ मेरे ख्याल से आंखें तभी बंद करते थे जब सोते थे, वरना एक बार भी थोड़ी देर बंद करी और लगता था आंख खोल लो। पर जब वो अंधेरा सामने सब कुछ काला होता था, उसमें भी मुझे इतनी शांति मिली और मुझे कोई डर ही नहीं था। मतलब ये 2 experiences ऐसे हैं जो यहाँ आकर ही पता चल सकते हैं। एंड लास्टली, मैं घर में बहुत स्ट्रगल करती थी इस डाइट को फॉलो करने के लिए। हम कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे फॉलो करने की, पर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रही थी। सो जो कल मैंने ये सुना कि मुझे रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि बच्चे मुझे देखकर इस चीज को अपनाएं, एंड मैं ये प्लेज कर रही हूं कि मैं इन सारी चीजों को फॉलो करके एक रोल मॉडल बनूंगी, ताकि मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मुझे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम एरिका है और मैं गुड़गांव से हूं। सो मेरे को यहाँ पर 2 experiences ऐसे मिले जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार घर में होते थे तो हमेशा मन को शांत करने की कोशिश करते रहते थे, पर तब भी थॉट्स आते ही रहते थे। यहाँ आके मेरा मन इतना शांत हो गया और मैं खुद सोचने लगी, क्या ये सही हूँ? मैं कोशिश करती रही कुछ और सोचने की, मन में कुछ लाऊं, घर के बारे में कुछ लाऊं, पर कुछ नहीं आया। ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, एंड थैंक यू सो मच आचार्य जी एंड पूजा जी कि मैंने इस जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस किया।
एक और चीज जो थी, जब हम लोग सन गेजिंग करते थे और उसके बाद हम लोग हाथ अपने आंखों पे रखते थे, हमेशा अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता था। हमेशा सिर्फ मेरे ख्याल से आंखें तभी बंद करते थे जब सोते थे, वरना एक बार भी थोड़ी देर बंद करी और लगता था आंख खोल लो। पर जब वो अंधेरा सामने सब कुछ काला होता था, उसमें भी मुझे इतनी शांति मिली और मुझे कोई डर ही नहीं था। मतलब ये दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो यहाँ आकर ही पता चल सकते हैं। एंड लास्टली, मैं घर में बहुत स्ट्रगल करती थी इस डाइट को फॉलो करने के लिए। हम कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे फॉलो करने की, पर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रही थी। सो जो कल मैंने ये सुना कि मुझे रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि बच्चे मुझे देखकर इस चीज़ को अपनाएं, एंड मैं ये प्लेज कर रही हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके एक रोल मॉडल बनूंगी, ताकि मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मुझे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूजा बंसल है, मैं सेक्टर 3 की ही निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचर की ओर में कैसे आई। मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन्स हुए थे और दोनों किडनीज में मल्टीपल स्टोन्स थे, 13 स्टोन थे दोनों किडनीज में, दोनों किडनीज भरी हुई थी स्टोन से, और 11 mm का सबसे बड़ा स्टोन था, जिसकी वजह से हम उस समय काफ़ी परेशान थे। और उसके लिए हमने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, देसी, कोई ऐसा इलाज नहीं था जो हमने ना किया हो। किसी ने हमें जहाँ जो बताया वही किया, किसी ने केसू के फूल बताए, किसी ने कुछ और बताया, हमने सब कुछ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी पथरी निकली तो निकली, लेकिन ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार तो जहर जैसी दवाइयाँ खानी पड़ी, जो या तो शिकंजी में या पपीते में इस तरीके से लेनी होती थी। लेकिन एक साल तक हमने बहुत सफ़र किया, फिर उसके बाद हमने यही डिसीजन लिया कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि 13 पथरियों को निकलवाने के लिए एक बार में तो निकलेंगी नहीं, हर साल हमें ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन हमारा भाग्य अच्छा था, हम संडे की क्लास में पहुँचे, वहाँ हमने सारे प्रोग्राम को सुना और समझा, और मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम फर्स्ट डे 1 से ही उसको अपनाना शुरू कर दिया। एक मिनट की भी देरी नहीं की, हम सुबह क्लास में आए, उनका जो लंच पैक किया हुआ था, घर में जो खाना बना हुआ था, उन्होंने उसको वापस रखा और खीरे टमाटर सलाद बनवाकर वो अपनी दुकान पर ले गए। और उसके बाद उन्होंने इसी पूरी प्रक्रिया को अपनाया। सुबह अगर कब्ज रही तो सुबह अनीमा लिया, पेट के ऊपर पट्टी लगाई, प्राणायाम किया, सन बात किया, और जैसा भोजन अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक उसी प्रकार का भोजन दिन में एक बार लिया। इसके अलावा नारियल पानी और फलों के जूस लिए, और 4 महीने के अंदर सारे किडनी स्टोन बिना किसी ऑपरेशन के निकल गए। वो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो इस बात को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी कोई पैथी है, जब हमने उनको निकला हुआ 13 mm का वो 11 mm का वो किडनी स्टोन दिखाया तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया पर वो हैरान रह गए, और लेकिन हम बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी, हमें अपने शरीर को कटवाना नहीं पड़ा, हमें दुकान नहीं छोड़नी पड़ी, और हम इस बीमारी से बिना किसी दवाइयों के बाहर आ गए। इसके अलावा फिर उसके बाद हमने अपने बच्चों को भी कभी कोई दवाई नहीं दी, हम इसी को फॉलो करते हैं। बच्चों को कोई मैं पेन किलर्स और कोई एंटीबायोटिक्स कभी नहीं देती। आज से लगभग 4-5 साल पहले मेरी बेटी को बुखार हुआ, तो घर वाले इस बात के लिए माने नहीं, वो कहते नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ, वो 6 साल की थी तब, वो माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना, तुम उसको खाना नहीं दोगे और ये सब नहीं करोगे। तो मैं घर वालों के मान रखने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले गई, तो उसको दवाइयाँ दिलाई। जब उसको दवाइयाँ दिलाई, ऐसा करने से उसका बुखार बिगड़ गया, और बुखार बिगड़ कर उसको टाइफाइड हो गया। मैंने डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स के पास पहले ले गई थी, और बड़ों के कहने पर मैंने काफ़ी उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिन वो ठीक रही, 1 महीने बाद उसको वापस बुखार हो गया, वही 3-4 बुखार। उसके बाद मैंने उसके साथ पूरा नेचर क्योर फॉलो किया, 15 दिन के अंदर उसका टाइफाइड बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी मेडिकल हेल्प के, उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। उसे जनवरी की बात है, जब उसको जनवरी में टाइफाइड हुआ था, उसको मैंने दिन में 4 बार पेट के ऊपर पट्टी लगाई, फलों के जूस दिए, उसको मैंने फल दिए, और वो आज तक बिल्कुल स्वस्थ है, और उसको कोई टाइफाइड का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन नहीं देनी पड़ी।
ये हमारा एक हमारे बारे में जानकारी थी, इसी तरीके के एक्सपीरियंस आप सबके भी होंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। मेरा नाम पूजा बंसल है, मैं सेक्टर 3 की ही निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचर की ओर में कैसे आई। मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन्स हुए थे और दोनों किडनीज में मल्टीपल स्टोन्स थे, 13 स्टोन थे दोनों किडनीज में, दोनों किडनीज भरी हुई थी स्टोन से और 11 mm का सबसे बड़ा स्टोन था, जिसकी वजह से हम उस समय काफ़ी परेशान थे और उसके लिए हमने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, देसी कोई ऐसा इलाज नहीं था जो हमने ना किया हो। किसी ने हमें जहाँ जो बताया वही किया, किसी ने केसू के फूल बताए, किसी ने कुछ और बताया, हमने सब कुछ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी पथरी निकली तो निकली लेकिन खास फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार तो जहर जैसी दवाइयाँ खानी पड़ी जो या तो शिकंजी में या पपीते में इस तरीके से लेनी होती थी, लेकिन एक साल तक हमने बहुत सफ़र किया। फिर उसके बाद हमने यही डिसीजन लिया कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि 13 पथरियों को निकलवाने के लिए एक बार में तो निकलेंगी नहीं, हर साल हमें ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन हमारा भाग्य अच्छा था, हम संडे की क्लास में पहुँचे, वहाँ हमने सारे प्रोग्राम को सुना और समझा और मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम फर्स्ट डे 1 से ही उसको अपनाना शुरू कर दिया। एक मिनट की भी देरी नहीं की, हम सुबह क्लास में आए, उनका जो लंच पैक किया हुआ था, घर में जो खाना बना हुआ था, उन्होंने उसको वापस रखा और खीरे टमाटर सलाद बनवा कर वो अपनी दुकान पर ले गए। और उसके बाद उन्होंने इसी पूरी प्रक्रिया को अपनाया, सुबह अगर कब्ज रही तो सुबह अनीमा लिया, पेट के ऊपर पट्टी लगाई, प्राणायाम किया, सन बात किया और जैसा भोजन अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक उसी प्रकार का भोजन दिन में एक बार लिया। इसके अलावा नारियल पानी और फलों के जूस लिए और 4 महीने के अंदर सारे किडनी स्टोन बिना किसी ऑपरेशन के निकल गए। वो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो इस बात को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी कोई पैथी है, जब हमने उनको निकला हुआ 13 mm का वो 11 mm का वो किडनी स्टोन दिखाया तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया पर वो हैरान रह गए और लेकिन हम बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी, हमें अपने शरीर को कटवाना नहीं पड़ा, हमें दुकान नहीं छोड़नी पड़ी और हम इस बीमारी से बिना किसी दवाइयों के बाहर आ गए। इसके अलावा फिर उसके बाद हमने अपने बच्चों को भी कभी कोई दवाई नहीं दी, हम इसी को फॉलो करते हैं। बच्चों को कोई मैं पेन किलर्स और कोई एंटीबायोटिक्स कभी नहीं देती। आज से लगभग 4-5 साल पहले मेरी बेटी को बुखार हुआ और बुखार काफ़ी तेज़ था, तो घर वाले इस बात के लिए माने नहीं, वो कहते नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ, वो 6 साल की थी तब, वो माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना, तुम उसको खाना नहीं दोगे और ये सब नहीं करोगे। तो मैं घर वालों के मान रखने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले गई तो उसको दवाइयाँ दिलाई। जब उसको दवाइयाँ दिलाई ऐसा करने से उसका बुखार बिगड़ गया और बुखार बिगड़ कर उसको टाइफाइड हो गया। उसके बाद मैंने उसके साथ पूरा नेचर क्योर फॉलो किया, 15 दिन के अंदर उसका टाइफाइड बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी मेडिकल हेल्प के उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। उसे जनवरी की बात है, जब उसको जनवरी में टाइफाइड हुआ था उसको मैंने दिन में 4 बार पेट के ऊपर पट्टी लगाई, फलों के जूस दिए, उसको मैंने फल दिए और सलाद जैसा जैसा, और वो आज तक बिल्कुल स्वस्थ है और उसको कोई टाइफाइड का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन नहीं देनी पड़ी। ये हमारा एक हमारे बारे में जानकारी थी, इसी तरीके के एक्सपीरियंस आप सबके भी होंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संतोष नागपाल, मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ। मुझे हेडेक की बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, सिर दर्द की जो है, तो जब भी होता है तो बहुत सीवियर वाला सिर दर्द होता है, अटैक होता है। और हुआ क्या कि यहाँ पे भी घर पे जैसे बच्चे दवाइयाँ देते हैं, कभी लिमका दो, कभी कुछ दो, किसी चीज़ से भी आराम नहीं आता, सिर दबाते हैं बच्चे, लेकिन नहीं आराम आया। यहाँ पे आते ही मुझे फर्स्ट डे पे ही सुबह के मैंने पपीता खाया, दोपहर को वो लिया, मैंने सलाद लिया, उसके बाद ही मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हुई या क्या हुआ पता नहीं, सिर दर्द शुरू हो गया। तो उसके बाद मुझे सारे टीम मेंबर्स ने, सब ने मेरी बहुत हेल्प की,
पट्टी लगाई, 8 नंबर की पट्टी लगाई, सब किया, सिर दर्द सिर भी दबाया, सब कुछ किया इन्होंने, और यहाँ तक कि आचार्य जी की मम्मी जी ने मेरे सिर दबाया, मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, सारे टीम मेंबर्स का और मम्मी जी का भी। तो मुझे उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि बिना दवाई के मुझे पट्टियों से बड़ी जल्दी आराम मिल गया, रात को मैं आराम से सोई, यही मेरा मेन एक्सपीरियंस। वेरी गुड। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संतोष नागपाल, मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ। मुझे हेडेक की बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, सिर दर्द की जो है, तो जब भी होता है तो बहुत सीवियर वाला सिर दर्द होता है, अटैक होता है। और हुआ क्या कि यहाँ पे भी घर पे जैसे बच्चे दवाइयाँ देते हैं, कभी लिमका दो कभी कुछ दो, किसी चीज़ से भी आराम नहीं आता, सिर दबाते हैं बच्चे, लेकिन नहीं आराम आया। यहाँ पे आते ही मुझे फर्स्ट डे पे ही सुबह के मैंने पपीता खाया, दोपहर को वो लिया मैंने सलाद लिया, उसके बाद ही मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हुई या क्या हुआ पता नहीं, सिर दर्द शुरू हो गया। तो उसके बाद मुझे सारे टीम मेंबर्स ने सब ने मेरी बहुत हेल्प की, पट्टी लगाई, 8 नंबर की पट्टी लगाई, सब किया, सिर दर्द सिर भी दबाया, सब कुछ किया इन्होंने, और यहाँ तक कि आचार्य जी की मम्मी जी ने भी मेरे सिर दबाया, मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, सारे टीम मेंबर्स का और मम्मी जी का भी। तो मुझे उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि बिना दवाई के मुझे पट्टियों से बड़ी जल्दी आराम मिल गया, रात को मैं आराम से सोई, यही मेरा मेन एक्सपीरियंस। वेरी गुड। मैं अनीता अग्रवाल, उड़ीसा राउरकेला से, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने जीजा जी का, जो वो इतने निष्काम भाव से और इतने निष्काम प्रेम से हम लोग को बुलाए इस कैंप में। पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ वो कितने निष्काम भाव से बुलाए होंगे, जो मेरे पति हाँ नहीं बोलते लेकिन वो हाँ बोल दिए, मुझे तो बाद में पता चला कि ये हाँ बोल दिए, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि। जीजा जी कौन है आपके? सुशील गोयल जी। अरे क्या बात है। और इनको बहुत शुगर रहती है, जैसे 2-4 साल हो गए हैं इनको शुगर है, और डॉक्टर ने तंबाकू सब मना कर रखा है ये जैसे लेते हैं। और इस कैंप में बहुत आश्चर्यजनक बात हुई है, मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं लेकिन इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उठते साथ लेते थे और रात को सोते समय तक भी लेते रहते थे। और हम विदेश भी घूमने जाते तो वहां पर भी नहीं मिलती लेकिन ये अपने अरेंज कर लेते थे, और वहां थूकना भी मना था लेकिन कहीं डस्टबिन वगैरह मिलता था वहीं पर थूक देते, मतलब चोरी छुपे कुछ भी कर लेते थे। इस कैंप में आने के बाद 4 दिन हो गए, इन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया। क्या बात है। कहाँ है हस्बैंड? कहाँ है हस्बैंड? कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं शुरू से चाहती थी, अंदर अंदर चाहती थी कि ये आए इस कैंप में, और मैं तो बहुत दिन से फॉलो कर रही थी, और मैं भी बहुत चोर हूँ, कभी फॉलो करती कभी नहीं करती। जब मुझे किसी पार्टी में जाना होता था तो 1 महीना पहले पता चल जाता जाना है, तो मैं करने लग जाती थी अपनी फिगर के लिए और फिर नहीं करती थी। तो मुझे इस कैंप में से बहुत बहुत फायदा हुआ है, और मेरे नेक्स्ट कैंप में अगर मेरे बच्चे स्कूल टाइम सही रहा तो जरूर आएंगे और ये ले करके आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अनीता अग्रवाल, उड़ीसा राउरकेला से, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने जीजा जी का, जो वो इतने निष्काम भाव से और इतने निष्काम प्रेम से हम लोग को बुलाए इस कैंप में कि। जीजा जी कौन है आपके? सुशील गोयल जी। अरे क्या बात है। और इनको बहुत शुगर रहती है, जैसे 2-4 साल हो गए हैं इनको शुगर है, और डॉक्टर ने तंबाकू सब मना कर रखा है ये जैसे लेते हैं। और इस कैंप में बहुत आश्चर्यजनक बात हुई है, मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं लेकिन इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उठते साथ लेते थे और रात को सोते समय तक भी लेते रहते थे। और हम विदेश भी घूमने जाते तो वहां पर भी नहीं मिलती लेकिन ये अपने अरेंज कर लेते थे, और वहां थूकना भी मना था लेकिन कहीं डस्टबिन वगैरह मिलता था वहीं पर थूक देते, मतलब चोरी छुपे कुछ भी कर लेते थे। इस कैंप में आने के बाद 4 दिन हो गए, इन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया। क्या बात है। कहाँ है हस्बैंड? कहाँ है हस्बैंड? कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको।
और मैं शुरू से चाहती थी, अंदर अंदर चाहती थी कि ये आए इस कैंप में, और मैं तो बहुत दिन से फॉलो कर रही थी, और मैं भी बहुत चोर हूँ, कभी फॉलो करती कभी नहीं करती। जब मुझे किसी पार्टी में जाना होता था तो एक महीना पहले पता चल जाता जाना है, तो मैं करने लग जाती थी अपनी फिगर के लिए और फिर नहीं करती थी। तो मुझे इस कैंप में से बहुत बहुत फायदा हुआ है, और मेरे नेक्स्ट कैंप में अगर मेरे बच्चे स्कूल टाइम सही रहा तो जरूर आएंगे और ये ले करके आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आचार्य जी और पूजा जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैंने अगस्त 2018 में NLS का कैंप किया था, उस समय मुझे घुटने का दर्द, कमर दर्द, लो बीपी, हाइपर गैस, एसिडिटी, थायराइड की मैं 50 mg की टेबलेट ले रही थी, और जब मैं कैंप अटेंड करने आई थी तो मुझे 5 डिग्री फीवर था, और सुबह मैं इनको बोल रही थी फीवर में मुझे कैंप में मत छोड़ के आओ, मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे यहाँ छोड़ गए थे, और मैं आचमन में रही थी 2 दिन बिना कोई दवाई के, उसी समय मैं एकदम स्वस्थ हो गई थी। और उस दिन से मुझे इतना ट्रस्ट हो गया, आचार्य जी मुझे बोले तुम बहुत लक्की हो जो यहाँ आके तुम्हारे फीवर है, और आज मैं कोई भी टेबलेट नहीं ले रही हूँ, इतनी दवाइयाँ ले रही थी। साथ में मेरे परिवार में 5 जन का थायराइड ठीक हो गया, मेरे परिवार के सदस्य सभी फॉलो करने लग गए, और मेरी बेटी के ससुर को दांत में कैंसर था मुंह में, वो भी यहाँ आके कैंप अटेंड करके गए, उनका भी एकदम क्योर हो गया, एक चने के जैसी गांठ थी आज वो एकदम स्वस्थ है। मेरे घर में भी मेरा यही संकल्प है कि मेरा परिवार, मेरे मित्र, सगे संबंधी, समाज में सभी स्वस्थ हो, और मेरा प्रयास यही रहता है मैं कहीं भी यात्रा के दौरान अपनी 10-15 किताबें NLS की लेके जाती हूँ, ट्रेन में अभी भी मैं ट्रेन में सबको बताती रहती हूँ, और सब इतने खुश होते हैं। आप सबसे भी अनुरोध है, आप सब NLS फॉलो कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, अपने इस जीवन शैली को सबको बताएं और खूब प्रचार प्रसार करें। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आचार्य जी और पूजा जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैंने अगस्त 2018 में NLS का कैंप किया था, उस समय मुझे घुटने का दर्द, कमर दर्द, लो बीपी, हाइपर गैस, एसिडिटी, थायराइड की मैं 50 mg की टेबलेट ले रही थी, और जब मैं कैंप अटेंड करने आई थी तो मुझे 5 डिग्री फीवर था, और सुबह मैं इनको बोल रही थी फीवर में मुझे कैंप में मत छोड़ के आओ, मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे यहाँ छोड़ गए थे, और मैं आचमन में रही थी 2 दिन बिना कोई दवाई के, उसी समय मैं एकदम स्वस्थ हो गई थी। और उस दिन से मुझे इतना ट्रस्ट हो गया, आचार्य जी मुझे बोले तुम बहुत लक्की हो जो यहाँ आके तुम्हारे फीवर है, और आज मैं कोई भी टेबलेट नहीं ले रही हूँ, इतनी दवाइयाँ ले रही थी। साथ में मेरे परिवार में 5 जन का थायराइड ठीक हो गया, मेरे परिवार के सदस्य सभी फॉलो करने लग गए, और मेरी बेटी के ससुर को दांत में कैंसर था मुंह में, वो भी यहाँ के कैंप अटेंड करके गए, उनका भी एकदम क्योर हो गया, एक चने के जैसी गांठ थी आज वो एकदम स्वस्थ है। मेरे घर में भी मेरा यही संकल्प है कि मेरा परिवार, मेरे मित्र, सगे संबंधी, समाज में सभी स्वस्थ हो, और मेरा प्रयास यही रहता है मैं कहीं भी यात्रा के दौरान अपनी 10-15 किताबें NLS की लेके जाती हूँ, ट्रेन में अभी भी मैं ट्रेन में सबको बताती रहती हूँ, और सब इतने खुश होते हैं। आप सबसे भी अनुरोध है, आप सब NLS फॉलो कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, अपने इस जीवन शैली को सबको बताएं और खूब प्रचार प्रसार करें। मेरा नाम ज्योति है, मैं प्रीतमपुरा से हूँ। मेरे को तकरीबन 3 साल से बहुत प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की और डाइजेशन की। मैं अब पिछले 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं डेली मेडिसिन खा रही थी कॉन्स्टिपेशन की, बट उससे भी ना मेरे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने अब वीडियो देखनी शुरू की यूट्यूब पे, तकरीबन 4-5 दिन मैं कंटिन्यू वीडियो देखती रही। मैंने बहुत सारे टोटके अपनाए जिससे मैं इससे निजात पा सकूं। लेकिन फिर मैंने एक मोहन गुप्ता जी की वीडियो देखी और मुझे एनीमा के बारे में पता चला, तो मैंने
उसी दिन यानी मैं यहाँ से ऑफिस से लेकर गई हूँ और मैंने नेक्स्ट डे लिया, इतना रिलीफ मिला मुझे। और मैंने सैटरडे था उस दिन, तो मैंने संडे को, अगले दिन संडे था, तो मैंने इनकी क्लास अटेंड करी। संडे को मैंने इनकी क्लास जो अटेंड करी है, माइंड ब्लोइंग थी वो मेरी। तो सच बताऊँ तो लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल, क्योंकि मैं उस चीज़ को 1.5 महीने से फॉलो कर रही हूँ और मेरी अब सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी दूर हो चुकी हैं। और मैंने अब ये प्रण लिया हुआ है कि लाइफ टाइम मैंने NLS के फूड को ही फॉलो करना है। पट्टी मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं डेली अब 2 टाइम लगा रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क आया। आई एम सो मच थैंकफुल आचार्य जी और पूजा बंसल जी का। मैं जितना भी उनको थैंक्स बोलूँ उतना कम है। धन्यवाद जी। मेरा नाम ज्योति है, मैं प्रीतमपुरा से हूँ। मेरे को तकरीबन 3 साल से बहुत प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की और डाइजेशन की। मैं अब पिछले 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं डेली मेडिसिन खा रही थी कॉन्स्टिपेशन की, बट उससे भी ना मेरे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने अब वीडियो देखनी शुरू की यूट्यूब पे, तकरीबन 4-5 दिन मैं कंटिन्यू वीडियो देखती रही। मैंने बहुत सारे टोटके अपनाए जिससे मैं इससे निजात पा सकूं। लेकिन फिर मैंने एक मोहन गुप्ता जी की वीडियो देखी और मुझे एनीमा के बारे में पता चला। तो मैंने उसी दिन एनीमा मैं यहाँ से ऑफिस से लेकर गई हूँ और मैंने नेक्स्ट डे लिया, इतना रिलीफ मिला मुझे। और मैंने सैटरडे था उस दिन, तो मैंने संडे को, अगले दिन संडे था, तो मैंने इनकी क्लास अटेंड करी। संडे को मैंने इनकी क्लास जो अटेंड करी है, माइंड ब्लोइंग थी वो मेरी। तो सच बताऊँ तो लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल, क्योंकि मैं उस चीज़ को 1.5 महीने से फॉलो कर रही हूँ और मेरी अब सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी दूर हो चुकी हैं। और मैंने अब ये प्रण लिया हुआ है कि लाइफ टाइम मैंने NLS के फूड को ही फॉलो करना है। पट्टी मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं डेली अब 2 टाइम लगा रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क आया। आई एम सो मच थैंकफुल आचार्य जी और पूजा बंसल जी का। मैं जितना भी उनको थैंक्स बोलूँ उतना कम है। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुनील है और मैं IT में हूँ। मेरी एज 24 है और मुझे 2016 में गले का कैंसर हो गया था और मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। और मैं 2016 अक्टूबर में राजेंद्र सर के संपर्क में आया और मैं राजेंद्र सर ने बताया कि तुम नेचर क्योर करो, और उन्होंने मुझे बताया कि पेठा जूस और नारियल पानी, सैलेड ये खाना है, और सब्जियाँ जितनी भी सब्जियाँ हमारी उसको स्टीम करके खाना है। बाहर का जैसे हमारा जंक फूड है और है उनका अवॉइड करना है पूरा, और उससे करने के बाद तुम अच्छे से स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल 1 मंथ में। मैंने अपना कंटिन्यू किया, सैलेड खाया और पेठा जूस और नारियल पानी और सैलेड और सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। और फिर मेरा जैसे पेट में दर्द होता था या और होता था, मैं गीली पट्टियाँ लगाता था पेट पे और सर पे, उससे मुझे फुंसियाँ निकली और मुझे फीवर हुआ और मेरे लूज मोशन भी हुए। तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे मेरी पूरी बीमारी ख़त्म हो गई और मैं अब स्वस्थ हूँ। मेरा नाम सुनील है और मैं IT में हूँ। मेरी एज 24 है और मुझे 2016 में गले का कैंसर हो गया था और मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। और मैं 2016 अक्टूबर में राजेंद्र सर के संपर्क में आया और मैं राजेंद्र सर ने बताया कि तुम नेचर क्योर करो, और उन्होंने मुझे बताया कि पेठा जूस और नारियल पानी, सैलेड ये खाना है, और सब्जियाँ जितनी भी सब्जियाँ हमारी उसको स्टीम करके खाना है। बाहर का जैसे हमारा जंक फूड है और है उनका अवॉइड करना है पूरा, और उससे करने के बाद तुम अच्छे से स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल 1 मंथ में। मैंने अपना कंटिन्यू किया, सैलेड खाया और पेठा जूस और नारियल पानी और सैलेड और सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। और फिर मेरा जैसे पेट में दर्द होता था या और होता था, मैं गीली पट्टियाँ लगाता था पेट पे और सर पे, उससे मुझे फुंसियाँ निकली और मुझे फीवर हुआ और मेरे लूज मोशन भी हुए। तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे मेरी पूरी बीमारी ख़त्म हो गई और मैं अब स्वस्थ हूँ। मेरा नाम कांता है, मेरी उम्र 41 वर्ष है और मैं त्रिनगर से आई हूँ। मैंने करीब 15 दिन पहले आचार्य जी का NLS प्रोग्राम जो लेक्चर सुना था,
जिसमें मेरे को थोड़ी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे साइनस की समस्या थी. साइनस में ना नाक हमेशा बंद रहता था, कभी भी हो जाता था, बाहर एटमॉस्फेयर में आई तभी हो जाता था बंद, सांस मुंह से ले पाती थी, और पेट भी मेरा काफ़ी ख़राब रहता था. तो जब मैं यहाँ आई, यहाँ के जुड़ी आचार्य जी से, तो आचार्य जी ने बताया था कि 3 दिन में आपका नाक खुल जाएगा. तो मुझे ऐसा लगा कि जब 3 दिन में मुझे ये फ़ायदा होने वाला है तो मैं क्यों ना अपना लूँ इसको. तो उससे मैं इतनी प्रभावित हुई, फिर आचार्य जी से बात करके और मैंने इसको अपनाया. तो अपनाने के बाद देखा 3 दिन में मैं बिल्कुल पहली बार मैंने ऐसे पूरा दिन नाक से सांस लिया, जिसकी फीलिंग तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ. और पेट भी मेरा बहुत काफ़ी सही हो गया. और एक मेरा आचार्य जी से बार बार प्रश्न ये था कि मैं चाय नहीं छोड़ पाती थी. मैं 3 बार लेती थी, जिसे मैं एक बार तो मैंने कर ली थी, लेकिन एक बार बिल्कुल छूट नहीं पा रही थी. तो आचार्य जी ने बोला आप ये फॉलो तो करो. जैसे ही मैंने फॉलो किया, आज 15 दिन हो गए, मैंने चाय एक बार भी लेने की इच्छा तक नहीं होती है. तो ये मैं चमत्कार एक तरह से मेरे साथ हुआ. तो इसलिए मैं और भी बेहतर तरीके से एनएलएस से जुड़ना चाहती हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी. मुझे एनएलएस से बहुत फ़ायदा हुआ, 15 दिन में ही ये रिज़ल्ट है. तो आगे क्या होगा मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ. और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर अपनाएं और देखें कि बिना दवाइयों के भी जीवन है. कोई पैसा नहीं है इसमें, निस्वार्थ सेवा है. धन्यवाद. मेरा नाम कांता है, मेरी उम्र 41 वर्ष है और मैं त्रिनगर से आई हूँ. मैंने करीब 15 दिन पहले आचार्य जी का एनएलएस प्रोग्राम जो लेक्चर सुना था, जिसमें मेरे को थोड़ी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे साइनस की समस्या थी. साइनस में नाक हमेशा बंद रहता था, कभी भी हो जाता था, बाहर एटमॉस्फेयर में आई तभी हो जाता था बंद, सांस मुंह से ले पाती थी, और पेट भी मेरा काफ़ी ख़राब रहता था. तो जब मैं यहाँ आई, यहाँ के जुड़ी आचार्य जी से, तो आचार्य जी ने बताया था कि 3 दिन में आपका नाक खुल जाएगा. तो मुझे ऐसा लगा कि जब 3 दिन में मुझे ये फ़ायदा होने वाला है तो मैं क्यों ना अपना लूँ इसको. तो उससे मैं इतनी प्रभावित हुई, फिर आचार्य जी से बात करके और मैंने इसको अपनाया. तो अपनाने के बाद देखा 3 दिन में मैं बिल्कुल पहली बार मैंने ऐसे पूरा दिन नाक से सांस लिया, जिसकी फीलिंग तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ. और पेट भी मेरा बहुत काफ़ी सही हो गया. और एक मेरा आचार्य जी से बार बार प्रश्न ये था कि मैं चाय नहीं छोड़ पाती थी. मैं 3 बार लेती थी, जिसे मैं एक बार तो मैंने कर ली थी, लेकिन एक बार बिल्कुल छूट नहीं पा रही थी. तो आचार्य जी ने बोला आप ये फॉलो तो करो. जैसे ही मैंने फॉलो किया, आज 15 दिन हो गए, मैंने चाय एक बार भी लेने की इच्छा तक नहीं होती है. तो ये मैं चमत्कार एक तरह से मेरे साथ हुआ. तो इसलिए मैं और भी बेहतर तरीके से एनएलएस से जुड़ना चाहती हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी. मुझे एनएलएस से बहुत फ़ायदा हुआ, 15 दिन में ही ये रिज़ल्ट है. तो आगे क्या होगा मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ. और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर अपनाएं और देखें कि बिना दवाइयों के भी जीवन है. कोई पैसा नहीं है इसमें, निस्वार्थ सेवा है. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, मैं चंडीगढ़ से हूँ. और पिछले जून में मैंने यहाँ 4 दिन का कैंप अटेंड किया था रेडिसन ब्लू में. और मेरे को जितने रोग थे उस 4 दिन के कैंप में अटेंड करने से बहुत ही मेरा स्वास्थ्य लाभ हुआ है और रोग ठीक हो गए. जैसे कि मेरे अंदर अल्सर था, वो 4 दिन में ही मेरा अंदर से निकल के 6-7 दिन लग गए थे, लेकिन 4 दिन में वहीं पर कैंप में निकलना शुरू हो गया था. और मेरे को निद्रा की समस्या थी, वो भी काफ़ी ठीक हो गई है, बहुत पुरानी समस्या थी. और मेरे सिर के बाल बहुत झड़ते थे और मुझे लगता था कि मैं सरदार हूँ, मैं गंजाई हो जाऊँगा. एक दिन मुझे लोग कहेंगे कि ये सरदार कहाँ का है, इसके सिर के ऊपर तो जुड़ी नहीं है. तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी कि ये रोग मेरा कैसे जाएगा. मैंने दुनिया भर के फॉरेन के इंडियन सभी तरह के शैम्पू शैम्पू सब इस्तेमाल कर लिए और होम्योपैथी की गोलियाँ भी खाई, होम्योपैथी के शैम्पू इस्तेमाल किए, पर मुझे कोई फार्मूला नहीं मिला. लेकिन अब यहाँ की ये जो विद्या है, इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, कोई भी बाद में मेरे बाल देख लेंगे तो आपको लगेंगे रेशम जैसे हो गए हैं. और मैं कोई भी अभी पिछले 7 महीने मतलब जून से लेकर मैंने आज तक सिर के ऊपर कोई साबुन नहीं लगाया, कोई शैम्पू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया. केवल और केवल मैं पानी से धोता हूँ या कोई जो ये यहाँ पे बताया जाता है उसी विधि का इस्तेमाल करता हूँ और मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए. मैं औरतों को ये प्रार्थना करूँगा कि वो शैम्पू वगैरह जितना इस्तेमाल करती हैं बढ़िया से बढ़िया सब छोड़ दें. ठीक है. नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, मैं चंडीगढ़ से हूँ. और पिछले जून से
जून में मैंने यहाँ 4 दिन का कैंप अटेंड किया था रेडिशन ब्लू में, और मेरे को जितने रोग थे उस 4 दिन के कैंप में अटेंड करने से बहुत ही मेरा स्वास्थ्य लाभ हुआ है और रोग ठीक हो गए। जैसे कि मेरे अंदर अल्सर था, वो 4 दिन में ही मेरा अंदर से निकल के 6-7 दिन लग गए थे, लेकिन 4 दिन में वहीं पे कैंप में निकलना शुरू हो गया था। और मेरे को निद्रा की समस्या थी, वो भी काफ़ी ठीक हो गई है, बहुत पुरानी समस्या थी। और मेरे सिर के बाल बहुत झड़ते थे और मुझे लगता था कि मैं सरदार हूँ, मैं गंजा ही हो जाऊँगा एक दिन, मुझे लोग कहेंगे कि ये सरदार कहाँ का है, इसके सिर के ऊपर तो जुड़ी नहीं है। तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी कि ये रोग मेरा कैसे जाएगा। मैंने दुनिया भर के फॉरेन के इंडियन सभी तरह के शैम्पू शैम्पू सब इस्तेमाल कर लिए और होम्योपैथी की गोलियां भी खाई, होम्योपैथी के शैम्पू इस्तेमाल किए, पर मुझे कोई फार्मूला नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ की ये जो विद्या है इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, कोई भी बाद में मेरे बाल देख लेंगे तो आपको लगेंगे रेशम जैसे हो गए हैं। और मैं कोई भी अभी पिछले 7 महीने मतलब जून से लेकर मैंने आज तक सिर के ऊपर कोई साबुन नहीं लगाया, कोई शैम्पू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, केवल और केवल मैं पानी से धोता हूँ या कोई जो ये यहाँ पे बताया जाता है उसी विधि का इस्तेमाल करता हूँ और मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए। मैं औरतों को ये प्रार्थना करूँगा कि वो शैम्पू वगैरह जितना इस्तेमाल करती हैं बढ़िया से बढ़िया सब छोड़ दें, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार गर्ग है और मैं दिल्ली से रोहिणी से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 44 ईयर्स है। मैं कपड़े का बिजनेस रन करता हूँ, बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मेरे को लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। पहले मैंने बवासीर को फेस किया तो मैंने डॉक्टर के पास गया, ये मेरे नोन में है डॉक्टर काफ़ी, तो उन्होंने 15-20 दिन मेरे को खूब मेडिसिन दी पर उसका कोई हल नहीं निकला। मैंने नेट पे रामदेव या और 2-4 देसी आयुर्वेदिक तरीके देखे तो उन्होंने दूध में नींबू डाल के मेरे को बताया और मैं तुरंत 3 दिन में ठीक हो गया। तो मेरा नेचर के प्रति विश्वास जागा भी सब कुछ नेचर में ही है। तो मैं लास्ट ईयर जो छुट्टियों के अंदर, गर्मी की छुट्टियों के अंदर जैपनीज पार्क दौड़ने जाता था वेट कम करने के लिए, मेरा घुटना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में आ गया, मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। वज़न तो कम हो गया 8-10 किलो, पर मैं इतना परेशान हो गया मेरे को समझ ना आए क्या करें। मेरे से टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो, नीचे बैठने में भी आलती पालती में दिक्कत होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं दोबारा फिर डॉक्टरों के पास पहुँच गया, उसके बाद डॉक्टरों ने 15-20 दिन एक्सपेरिमेंट किए, विटामिन D3 कम है, ये कम है, तो मेरे को कोई समझ नहीं आया उनका इलाज, ना ही मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट मिली। जब मैं परेशान चल रहा था तो मैंने YouTube वगैरह नेट वगैरह पे काफ़ी कुछ देखा, तो मेरे को YouTube पे मोहन गुप्ता जी की वीडियोस दिखी, तो उसको मैंने जब देखना शुरू किया मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग उनकी बातें लगी, मतलब बड़ी बेसिक बातें थी, उसमें कोई गोड़ मोड़ या कोई ऐसा कुछ था ही नहीं भी मेरे को कोई पैसा खर्च करना है या मेरे को अपना टाइम खर्च करना है, मतलब बड़ी लॉजिकल सी और सिंपल बातें, क्या खाना है, कैसे खाना है। फिर मैंने और वीडियोस देखी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। मैं 5-7 दिन रेगुलर उनकी जब भी फ्री होता था दुकान पे तो उनकी वीडियोस सुनता रहता था। तो परेशान तो मैं था ही घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद मैंने क्या देखा भी, मैंने सलाद और उन्होंने क्या बोला भी हमें फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खानी है। तो जैसे जैसे मैं ये चीज़ें करता रहा मेरे को 15-20 दिन में जो मैं जैपनीज पार्क जाता था वज़न कम करने के लिए, मैंने देखा भी घर पे बैठे बैठे मेरा रोज़ 1-1.5 किलो वज़न कम हो रहा है, जो कि पहले रीगेन भी कर जाता था खाने के बाद, पर अब मैंने सलाद और फ्रूट खाने शुरू किए अकॉर्डिंग टू जैसे उन्होंने पूरा वीडियोज़ के अंदर बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब कर रखा है। तो उससे क्या हुआ, 15-20 दिन में मैंने पाया घुटने का दर्द तो एज इट इज़ था अभी, पर मेरा वेट जो है मैंने जैपनीज पार्क के 9-9 चक्कर लगाने के बाद कम किया था, वो घर बैठे ही 15 दिन में कम हो गया, लगभग 10 किलो वज़न मेरा और टूट गया। उसके बाद एक तो जैसे घुटने का डॉक्टर भी कहते थे वज़न कम करो, तो वो घर बैठे कम होना शुरू हो गया, मैं जैपनीज पार्क जाना बंद कर दिया। उन्होंने बताया भी घूमने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, उतना घूमो जितना के बगल में पसीना आ जाए। मैंने फालतू इधर उधर का चक्करों में पढ़ना बंद कर दिया, मेरा विश्वास और जागृत हो गया। मैंने जो उनके वीडियोस काफ़ी डले हुए हैं, लगभग 50-60 वीडियोस मैंने देख डाले और हर वीडियोस में बहुत अच्छा मेरे को पाया। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना हुआ था, मैंने देखा मैं इंग्लिश सीट पे जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम गाँव टच के लोग हैं, हम देसी टॉयलेट ही यूज़ करते हैं,
तो जब मैंने देखा बड़ी परेशानी होती थी उठने में, एक डेढ़ महीने, एक दिन मैंने देखा, मैं चलो आज देसी टॉयलेट पे ही जाते हैं, मैं फटी रखता था पास में खड़े होने के लिए, बैठा तो जाता था, उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने देखा मेरे से उठा गया बड़े आराम से अपने आप विदाउट सपोर्ट लिए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार घुटने में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है। तो मैंने एक दिन मैं दौड़ने जाता था, एक दिन एक चक्कर काट के आया जापनीज पार्क का द्वारा, तो देखा भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को विश्वास कंप्लीट हो गया। तो मैं सारा कुछ उनका अडॉप्ट शुरू कर दिया, खाना पीना जो है उनके अकॉर्डिंग शुरू कर दिया। और मैंने देखा मैं इतना इतना ड्राई फ्रूट खा जाता था भी, यहाँ तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पेट की स्टडी के बारे में बहुत अच्छे वीडियो डाल रखे हैं भी, हमारा स्टोमिक कैसे वर्क करता है, हमारा हर चीज़ का डाइजेशन पीरियड क्या है। तो इन सब को जान के मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गई है। घर बैठे ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुधारना है आज के युग के हिसाब से क्या खाना है क्या पीना है। आप भली भांति वीडियो 10-20 सुन लोगे तो आप पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आपका दिल करे तो इनका थैंक्स करने आ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारे कुछ कहते ही नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार गर्ग है और मैं दिल्ली से रोहिणी से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 44 ईयर्स है। मैं कपड़े का बिजनेस रन करता हूँ, बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मेरे को लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। पहले मैंने बवासीर को फेस किया तो मैंने डॉक्टरों के पास गया, ये मेरे नोन में है डॉक्टर काफ़ी, तो उन्होंने 15-20 दिन मेरे को खूब मेडिसिन दी पर उसका कोई हल नहीं निकला। मैंने नेट पे रामदेव या और दो चार देसी आयुर्वेदिक तरीके देखे तो उन्होंने दूध में नींबू डाल के मेरे को बताया और मैं तुरंत 3 दिन में ठीक हो गया। तो मेरा नेचर के प्रति विश्वास जागा भी, सब कुछ नेचर में ही है। तो मैं लास्ट ईयर जो छुट्टियों के अंदर, गर्मी की छुट्टियों के अंदर जापनीज पार्क दौड़ने जाता था वेट कम करने के लिए, मेरा घुटना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में आ गया, मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। वज़न तो कम हो गया 8-10 किलो, पर मैं इतना परेशान हो गया मेरे को समझ ना आए क्या करूँ। मेरे से टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो, नीचे बैठने में भी आलती पालती में दिक्कत होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं दोबारा फिर डॉक्टरों के पास पहुँच गया, उसके बाद डॉक्टरों ने 15-20 दिन एक्सपेरिमेंट किए, विटामिन D3 कम है, ये कम है, तो मेरे को कोई समझ नहीं आया उनका इलाज, ना ही मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट मिली। जब मैं परेशान चल रहा था तो मैंने YouTube वगैरह नेट वगैरह पे काफ़ी कुछ देखा, तो मेरे को YouTube पे मोहन गुप्ता जी की वीडियोज़ दिखी, तो उसको मैंने जब देखना शुरू किया मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग उनकी बातें लगी, मतलब बड़ी बेसिक बातें थी, उसमें कोई गोड़ मोड़ या कोई ऐसा कुछ था ही नहीं भी मेरे को कोई पैसा खर्च करना है या मेरे को अपना टाइम खर्च करना है, मतलब बड़ी लॉजिकल सी और सिंपल बातें, क्या खाना है कैसे खाना है। फिर मैंने और वीडियोस देखी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के, मैं 5-7 दिन रेगुलर उनकी जब भी फ्री होता था दुकान पे तो उनकी वीडियोस सुनता रहता था। उन्होंने क्या बोला भी, हमें फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खानी है। तो जैसे जैसे मैं ये चीज़ें करता रहा, मेरे को 15-20 दिन में जो मैं जापनीज पार्क जाता था वज़न कम करने के लिए, मैंने देखा भी घर पे बैठे बैठे मेरा रोज़ 1-1.5 किलो वज़न कम हो रहा है, जो कि पहले रीगेन भी कर जाता था खाने के बाद, पर अब मैंने सलाद और फ्रूट खाने शुरू किए अकॉर्डिंग टू, जैसे उन्होंने पूरा वीडियोज़ के अंदर बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब कर रखा है। तो उससे क्या हुआ, 15-20 दिन में मैंने पाया घुटने का दर्द तो एज इट इज़ था अभी, पर मेरा वेट जो है मैंने जापनीज पार्क के 9-9 चक्कर लगाने के बाद कम किया था, वो घर बैठे ही 15 दिन में कम हो गया, लगभग 10 किलो वज़न मेरा और टूट गया। उसके बाद एक तो जैसे घुटने का डॉक्टर भी कहते थे वज़न कम करो, तो वो घर बैठे कम होना शुरू हो गया, मैं जापनीज पार्क जाना बंद कर दिया। उन्होंने बताया भी घूमने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, उतना घूमो जितना के बगल में पसीना आ जाए। मैंने फालतू इधर उधर का चक्करों में पढ़ना बंद कर दिया, मेरा विश्वास और जागृत हो गया। मैंने जो उनके वीडियोज़ काफ़ी डले हुए हैं, लगभग 50-60 वीडियोज़ मैंने देख डाले और हर वीडियोज़ में बहुत अच्छा मेरे को पाया। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना हुआ था, मैंने देखा मैं इंग्लिश सीट पे जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम गांव टच के लोग हैं, हम देसी टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। तो जब मैंने देखा बड़ी परेशानी होती थी उठने में, 1-1.5 महीने, एक दिन मैंने देखा मैं चलो आज देसी टॉयलेट पे ही जाते हैं, मैं फटी रखता था पास में खड़े होने के लिए, बैठा तो जाता था, उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने देखा मेरे से उठा गया बड़े आराम से अपने आप विदाउट सपोर्ट लिए,
तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार घुटने में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है। तो मेरे एक दिन मैं दौड़ने जाता था, एक दिन एक चक्कर काट के आया जापनीज पार्क का द्वारा, तो देखा भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को विश्वास कंप्लीट हो गया। तो मैं सारा कुछ उनका अडॉप्ट शुरू कर दिया, खाना पीना जो है उनके अकॉर्डिंग शुरू कर दिया। और मैंने देखा मैं इतना ड्राई फ्रूट खा जाता था भी, यहाँ तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पेट की स्टडी के बारे में बहुत अच्छे वीडियो डाल रखे हैं भी, हमारा स्टोमिक कैसे वर्क करता है, हमारा हर चीज़ का डाइजेशन पीरियड क्या है। तो इन सब को जान के मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गई है। घर बैठे ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुधारना है आज के युग के हिसाब से, क्या खाना है क्या पीना है। आप भली भांति वीडियो 10-20 सुन लोगे तो आप पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आपका दिल करे तो इनका थैंक्स करने आ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारे कुछ कहते ही नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैंने अभी लास्ट वीक कैंप अटेंड किया था 4 डेज का, एंड कैंप के बाद मुझे जो अनुभव हुआ वो उस 3 दिन में भी नहीं हुआ था। मंडे को जब मैं सो के उठा तो शायद 7-8 साल बाद ऐसा हुआ होगा मेरे साथ कि मैं बिना किसी दर्द के, बिना सर दर्द के, बिना माथे में दर्द के, बिना बॉडी एक के सुबह मॉर्निंग में उठा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका नंबर इन लास्ट 10 दिनों में, थर्सडे से शुरू हुआ था, आज हम संडे पे हैं, करीब 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में मैंने अपने बॉडी में से 4 kg रिड्यूस किया है, जो शायद किसी डाइटिशियन अगर करता तो शायद 30 दिन में होता, बट मैं कहीं 10 दिन में कर चुका हूँ। और खाली वेट नहीं, मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज आई बिन फॉलोइंग जो भी आचार्य जी ने 4 दिन में बताया था, उसमें से बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम जो सन गेजिंग मेरे ऑफिस आवर्स की वजह से मैं नहीं कर पाया, अदर देन बाकी सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी। मेरे घर में पूरा फूड वो चला है, मेरा ब्रेकफास्ट से लेकर मेरा डिनर सब कुछ वो चला है। और इवन फ्राइडे को मेरी आई वॉज नॉट, शाम को मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा खाया था, मैंने सैटरडे को सिर्फ फलाहार किया, मुझे कोई भूख, कोई रात तक सोते हुए कुछ वो नहीं हुआ। सो अगर किसी को लगता है कि अगर अपने पास रखोगे तो शायद बेनिफिट रुक जाए, तो जैसे ही अनाउंस हुआ फेसबुक पे कि एक और कैंप है 20th से 23rd of June GT करनाल रोड पे, मुझे जब वेन्यू का नाम याद नहीं है, तभी से मैंने लोगों को अपने ऑफिस में, अपने आसपास सबको वो स्क्रीनशॉट खींच के भेजना शुरू कर दिया ऑफिस जाते ही। और पिछले अब जिनको मैं एक हफ्ते बाद मिला हूँ वो एकदम से कह रहे हैं इतना दुबला कैसे हो गया। सो एक हफ्ते में वो चेंज आया है जो शायद मैं कब से लगा हुआ था। मेरा फैटी लीवर का बहुत प्रॉब्लम था, मेरे पेट में एब्डोमिनल में बहुत पेन होता था, तो मैं डॉक्टर के पास गया जब था, उन्होंने बोला ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ परहेज? अरे नहीं 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 नहीं, कोई परहेज की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज करो। और ये अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैंने दवाई 2 दिन खाई छोड़ दी। इवेंचुअली इस कैंप के बारे में मुझे पता लगा, मैंने किया, एक हफ्ते से मेरा पेन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। और एक हफ्ते में अगर मैं सोचूं कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं इंसाफी रहेगी अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, बट बहुत फ़र्क पड़ा है। सुबह शाम मैंने पट्टी करी है, अनीमा रोज़ लिया है, और फ़र्क पड़ता है। और अगर किसी को लगता है कि हाँ यहाँ सुनने के बाद अच्छा तो लगा बट क्या मैं फॉलो कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरा एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, बिना अपना दिमाग लगाए कुछ मत कीजिएगा। 20 से 23 तारीख अपने आप को जमा कर दीजिएगा। मुझे पता है कि मेरे लिए 2 दिन की छुट्टी लेना कितना इम्पोर्टेंट या कितना मुश्किल रहा होगा। 1 महीने पहले अपनी छुट्टी के अप्लाई करना पड़ा था मुझे, अभी भी 1 महीना है। जिसको लगता है कि मैं काम से नहीं ले सकता, उस कैंप को बिना सोचे समझे, अगर यहाँ से जो आपको मिलेगा, जो अभी तक भी मैंने बहुत कुछ मतलब आचार्य जी उसमें भी बता देते हैं, पर जो भी मिलेगा वो 20-30% होगा, जो आपको फुल पिक्चर है। मैं अभी तक मतलब टीम का मेंबर नहीं बना हूँ, एक स्टूडेंट के उससे ही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वो कैंप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी और मैंने दोनों ने एक साथ किया था, और हम उनका भी बहुत स्किन में बहुत फ़र्क है, बहुत कुछ हो चुका है पिछले 10 दिन में। मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकूँ करूँ, ताकि वो कंटिन्यू रहे। और वही आपसे भी कहता हूँ, वो कैंप ज्वाइन प्लीज़ कीजिएगा, थैंक यू। नमस्कार, मैंने अभी लास्ट वीक कैंप अटेंड किया था 4 डेज़ का,
एंड कैंप के बाद मुझे जो अनुभव हुआ वो उस तीन दिन में भी नहीं हुआ था. मंडे को जब मैं सो के उठा तो शायद 7-8 साल बाद ऐसा हुआ होगा मेरे साथ कि मैं बिना किसी दर्द के, बिना सर दर्द के, बिना माथे में दर्द के, बिना बॉडी एक के सुबह मॉर्निंग में उठा हूँ. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. नंबर इन लास्ट 10 दिनों में थर्सडे से शुरू हुआ था, आज हम संडे पे हैं, करीब 10 दिन हुए हैं. 10 दिन में मैंने अपने बॉडी में से 4 kg रिड्यूस किया है, जो शायद किसी डाइटिशियन अगर करता तो शायद 30 दिन में होता, बट मैं कहीं 10 दिन में कर चुका हूँ. और खाली वेट नहीं, मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज आई बिन फॉलोइंग जो भी आचार्य जी ने 4 दिन में बताया था, उसमें से बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम जो सन गेजिंग मेरे ऑफिस आवर्स की वजह से मैं नहीं कर पाया, अदर देन बाकी सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी. मेरे घर में पूरा फूड वो चला है, मेरा ब्रेकफास्ट से लेकर मेरा डिनर सब कुछ वो चला है. और इवन फ्राइडे को मेरी आई वॉज नॉट, शाम को मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा खाया था. मैंने सैटरडे को सिर्फ फलाहार किया, मुझे कोई भूख, कोई रात तक सोते हुए कुछ वो नहीं हुआ. तो जैसे ही अनाउंस हुआ फेसबुक पे कि एक और कैंप है 20th से 23rd of June GT करनाल रोड पे, मुझे जपेन्यू का नाम याद नहीं है, तभी से मैंने लोगों को अपने ऑफिस में, अपने आसपास सबको वो स्क्रीनशॉट खींच के भेजना शुरू कर दिया ऑफिस जाते ही. और पिछले अब जिनको मैं एक हफ्ते बाद मिला हूँ वो एकदम से कह रहे हैं इतना दुबला कैसे हो गया. सो एक हफ्ते में वो चेंज आया है जो शायद मैं कब से लगा हुआ था. मेरा फैटी लीवर का बहुत प्रॉब्लम था, मेरे पेट में एब्डोमिनल में बहुत पेन होता था. तो मैं डॉक्टर के पास गया, जब उन्होंने बोला ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे. मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ परहेज? अरे नहीं 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 नहीं, कोई परहेज की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज करो. और ये अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है. मैंने दवाई 2 दिन खाई, छोड़ दी. इवेंचुअली इस कैंप के बारे में मुझे पता लगा, मैंने किया. एक हफ्ते से मेरा पेन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया. और एक हफ्ते में अगर मैं सोचूं कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं नाइंसाफी रहेगी अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. बट बहुत फ़र्क पड़ा है. सुबह शाम मैंने पट्टी करी है, अनीमा रोज़ लिया है और फ़र्क पड़ता है. मेरा एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, बिना अपना दिमाग लगाए कुछ मत कीजिएगा. 20 से 23 तारीख अपने आप को जमा कर दीजिएगा. मुझे पता है कि मेरे लिए 2 दिन की छुट्टी लेना कितना इम्पोर्टेंट या कितना मुश्किल रहा होगा. 1 महीने पहले अपनी छुट्टी के अप्लाई करना पड़ा था मुझे. अब यहाँ से जो आपको मिलेगा, जो अभी तक भी मैंने बहुत कुछ मतलब आचार्य जी इस उसमें भी बता देते हैं, पर जो भी मिलेगा वो 20-30% होगा. जो आपको फुल पिक्चर है, मैं अभी तक मतलब टीम का मेंबर नहीं बना हूँ, एक स्टूडेंट के उससे ही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वो कैंप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी और मैंने दोनों ने एक साथ किया था और उनका भी बहुत स्किन में बहुत फ़र्क है. बहुत कुछ हो चुका है पिछले 10 दिन में. मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकूँ करूँ ताकि वो कंटिन्यू रहे. और वही आपसे भी कहता हूँ, वो कैंप ज्वाइन प्लीज़ कीजिएगा. थैंक यू. मेरा नाम संतोष तोमर है, मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ. मैं काफ़ी सालों से बीमार चल रही थी, मेरे पित्त की थैली में पथरी थी और मेरा लीवर भी फैला हुआ था. जगह जगह मांस के टुकड़े, चर्बी फैल रही थी पेट में. तो मेरे बेटा दिल्ली जॉब करता है, उसने नेचुरल लाइफ स्टाइल के बारे में सुना था. उसने मुझे बताया कि मम्मी आप भी वहाँ का इलाज करो, आप ठीक हो जाओगे. मैं वहाँ पर आई भी नहीं और मेरे बेटे ने घर पर ही मुझे 1 महीने से ये प्रोग्राम के बारे में बताया और मैंने वही फॉलो किया जो डॉक्टर साहब बताते हैं. और उससे मुझे 1 महीने में काफ़ी आराम है. मेरा पेट काफ़ी बढ़ चुका था, मेरा वजन भी बहुत बढ़ रहा था. मेरा 1 महीने में 10 किलो मेरा वजन कम हुआ है. मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरा पेट भी अब कम हो गया है. मुझे बहुत आराम हुआ है. समागम अटेंड किए बिना ही मैं इसको फॉलो कर रही थी बेटे के कहे अनुसार. सुबह में मैं पेठे का जूस पीती थी, फिर 12 बजे मैं नारियल का जूस पीती थी और 4 बजे कच्ची सलाद खाती थी. रात में 2 रोटी वही बत्थे की या मेथी की या उसकी पालक वगैरह की हरी सब्जी खाती थी उबली हुई. और उसी से मुझे 1 महीने में इतना आराम हुआ है. मैं चाहती हूँ सभी लोग इसको फॉलो करें और सभी को आराम होगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आज अपने शरीर को लेकर के. वरना मैं तो अपने आप को सोचती थी कि मैं बचूंगी नहीं, या तो ऑपरेशन ही होगा या मर ही जाऊँगी. लेकिन आज मैं बहुत, और आज मैं डॉक्टर साहब से मिली तो मुझे आज पता चला कि वाकई में ही बहुत कुछ है इस थेरेपी में.
मैंने अपने बेटे के अनुसार मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा था मेरा एक महीने से, डॉक्टर ने कहा अभी तुरंत के तुरंत तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तुम्हारा लीवर बहुत फैल गया है और तुम्हें लंबे टाइम से मैं काफ़ी बीमार थी, अब मुझे आराम है और मैं सबको ये सलाह दूंगी कि कोई भी अपने पित्त की थैली का ऑपरेशन ना कराए और नेचुरल लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करें और जल्दी ही वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे, शायद ही डॉक्टरों के पास जाना भी ना पड़े किसी को। मेरा नाम संतोष तोमर है, मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ। मैं काफ़ी सालों से बीमार चल रही थी, मेरे पित्त की थैली में पथरी थी और मेरा लीवर भी फैला हुआ था, जगह जगह मांस के टुकड़े चर्बी फैल रही थी पेट में। तो मेरे बेटा दिल्ली जॉब करता है, उसने नेचुरल लाइफ स्टाइल के बारे में सुना था, उसने मुझे बताया कि मम्मी आप भी वहाँ का इलाज करो आप ठीक हो जाओगे। मैं वहाँ पर आई भी नहीं और मेरे बेटे ने घर पर ही मुझे एक महीने से ये प्रोग्राम के बारे में बताया और मैंने वही फॉलो किया जो डॉक्टर साहब बताते हैं और उससे मुझे एक महीने में काफ़ी आराम है। मेरा पेट काफ़ी बढ़ चुका था, मेरा वजन भी बहुत बढ़ रहा था, मेरा एक महीने में 10 किलो मेरा वजन कम हुआ है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरा पेट भी अब कम हो गया है, मुझे बहुत आराम हुआ है। समागम अटेंड किए भी नहीं मैं इसको फॉलो कर रही थी बेटे के कहे अनुसार। सुबह में मैं पेठे का जूस पीती थी, फिर 12 बजे मैं नारियल का जूस पीती थी और 4 बजे कच्ची सलाद खाती थी, रात में 2 रोटी वही बत्थे की या मेथी की या उसकी पालक वगैरह की हरी सब्जी खाती थी उबली हुई और उसी से मुझे एक महीने में इतना आराम हुआ है। मैं चाहती हूँ सभी लोग इसको फॉलो करें और सभी को आराम होगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आज अपने शरीर को लेकर के, वरना मैं तो अपने आप को सोचती थी कि मैं बचूंगी नहीं, या तो ऑपरेशन ही होगा या मर ही जाऊँगी, लेकिन आज मैं बहुत, और आज मैं डॉक्टर साहब से मिली तो मुझे आज पता चला कि वाकई में ही बहुत कुछ है इस थेरेपी में। मैंने अपने बेटे के अनुसार मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा था मेरा एक महीने से, डॉक्टर ने कहा अभी तुरंत के तुरंत तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तुम्हारा लीवर बहुत फैल गया है और तुम्हें लंबे टाइम से मैं काफ़ी बीमार थी, अब मुझे आराम है और मैं सबको ये सलाह दूंगी कि कोई भी अपने पित्त की थैली का ऑपरेशन ना कराए और नेचुरल लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करें और जल्दी ही वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे, शायद ही डॉक्टरों के पास जाना भी ना पड़े किसी को। मैं सुनीता छाबड़ा पश्चिम बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ पे अपनी खांसी और जिसको अस्थमा भी बोलते हैं कि मुझे अस्थमा था तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आई। YouTube के माध्यम से मुझे आचार्य जी का पता चला और मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम का हल यही निकल सकता है। तो जब आए तो उन्होंने हमें डाइट चार्ट दिया और उस डाइट चार्ट को 20 मार्च को मैं आई थी यहाँ, 21 मार्च को मेरी बेटी का जन्मदिन था तो हमने जो खाना था खा लिया उल्टा पुल्टा जिसको बोलते हैं, और 22 मार्च से मैंने इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया। 24-25 तीन दिन फास्टिंग करी और जो उन्होंने बताया सारा फॉलो किया और पट्टी भी लगाई, सूर्य स्नान वायु स्नान सभी किया और 25 मार्च को मेरी 50% खांसी ठीक हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करते 15 दिन में 100% खांसी ठीक हो गई और आज की डेट में 10 फरवरी आ गई, तब से मुझे कोई खांसी नहीं हुई और जितनी मेरी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होती गई साथ साथ और वेट मेरा 8 किलो कम हो गया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं वैसे भी सभी को इनका रेफरेंस देती रहती हूँ कि नेचुरल लाइफस्टाइल को ही जीना चाहिए और काफ़ी लोग यहाँ आते भी हैं और मैं चाहूँगी कि आने वाली जनरेशन और जो भी एट प्रेजेंट जिनको प्रॉब्लम है उनको सिर्फ नेचुरल लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना चाहिए, जिसमें मेडिसिंस की भी ज़रूरत नहीं है, बिना मेडिसिंस के सब कुछ ठीक हो जाता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और कुछ भी नहीं। और थैंक्स टू नेचुरल लाइफस्टाइल, थैंक्स टू आचार्य मोहन गुप्ता जी एंड ऑल टीम कि जिन्होंने हमें ये गाइड किया कि कैसे हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है नेचुरल लाइफस्टाइल में। धन्यवाद। मैं सुनीता छाबड़ा पश्चिम बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ पे अपनी खांसी और जिसको अस्थमा भी बोलते हैं कि मुझे अस्थमा था तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आई। यूट्यूब के माध्यम से मुझे आचार्य जी का पता चला और मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम का हल यही निकल सकता है। तो जब आए तो उन्होंने हमें डाइट चार्ट दिया
और उस डाइट चार्ट को 20 मार्च को मैं आई थी यहाँ। 21 मार्च को मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो हमने जो खाना था खा लिया, उल्टा पुल्टा जिसको बोलते हैं, और 22 मार्च से मैंने इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया। 24-25 तीन दिन फास्टिंग करी, और जो उन्होंने बताया सारा फॉलो किया, और पट्टी भी लगाई, सूर्य स्नान वायु स्नान सभी किया, और 25 मार्च को मेरी 50% खांसी ठीक हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करते 15 दिन में 100% खांसी ठीक हो गई, और आज की डेट में 10 फरवरी आ गई, तब से मुझे कोई खांसी नहीं हुई, और जितनी मेरी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व होती गई साथ साथ, और वेट मेरा 8 किलो कम हो गया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं वैसे भी सभी को इनका रेफरेंस देती रहती हूँ कि नेचुरल लाइफस्टाइल को ही जीना चाहिए, और काफ़ी लोग यहाँ आते भी हैं, और मैं चाहूँगी कि आने वाली जनरेशन और जो भी एट प्रेजेंट जिनको प्रॉब्लम है उनको सिर्फ नेचुरल लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना चाहिए, जिसमें मेडिसिंस की भी ज़रूरत नहीं है, बिना मेडिसिंस के सब कुछ ठीक हो जाता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और कुछ भी नहीं। और थैंक्स टू नेचुरल लाइफस्टाइल, थैंक्स टू आचार्य मोहन गुप्ता जी एंड ऑल टीम कि जिन्होंने हमें ये गाइड किया कि कैसे हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है नेचुरल लाइफस्टाइल में। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आचार्य जी को मैंने यूट्यूब पे देखा, और मेरे एक फ्रेंड ने ऑफिस में, वो इनको फॉलो करते हैं कम से कम 1 साल से, मैंने अभी 20 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और पेटे का जो सिर्फ 8-10 दिन लिया होगा। मेरे एक तो अस्थमा जो प्रॉब्लम है उसकी सांस अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है 8-10 दिन में। ये होम्योपैथिक दवाई रखी है, बट ये बस इमरजेंसी में लेनी है, पर वो चांस आ नहीं रहा अब। दूसरा, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, जो जॉइंट था घुटने मुड़ते हुए उठते हुए बैठते हुए बहुत दर्द होता था, अब वो जॉइंट पेन गायब हो गया, सिर्फ नारियल पानी और ये पेठे का जूस। ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर रहा अभी, इन्होंने बोला है एक टाइम खाना है यूट्यूब पर, अभी वो चल रहा है खाना, पर फिर भी 6 किलो वेट कम हो गया। मैं इनका कैसे एहसान उतारूंगा आचार्य जी का, मेरे पास शब्द नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आचार्य जी को मैंने यूट्यूब पे देखा, और मेरे एक फ्रेंड ने ऑफिस में, वो इनको फॉलो करते हैं कम से कम 1 साल से, मैंने अभी 20 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और पेटे का जो सिर्फ 8-10 दिन लिया होगा। मेरे एक तो अस्थमा जो प्रॉब्लम है उसकी सांस अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है 8-10 दिन में। ये होम्योपैथिक दवाई रखी है, बट ये बस इमरजेंसी में लेनी है, पर वो चांस आ नहीं रहा अब। दूसरा, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, जो जॉइंट था घुटने मुड़ते हुए उठते हुए बैठते हुए बहुत दर्द होता था, अब वो जॉइंट पेन गायब हो गया, सिर्फ नारियल पानी और ये पेठे का जूस। ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर रहा अभी, इन्होंने बोला है एक टाइम खाना है यूट्यूब पर, अभी वो चल रहा है खाना, पर फिर भी 6 किलो वेट कम हो गया। मैं इनका कैसे एहसान उतारूंगा आचार्य जी का, मेरे पास शब्द नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2015 में मैंने फर्स्ट कैंप अटेंड किया था, और उसके बाद 2017 में दूसरा कैंप अटेंड किया था। जब 2015 में कैंप अटेंड किया था, उस समय गैस, एसिडिटी और बहुत सी प्रॉब्लम्स थीं जो शायद हमें उसमें पता भी नहीं थी कि प्रॉब्लम्स हैं। और जब ये कैंप मैंने अटेंड किया था, तब मुझे शाइटिका था, थायराइड था, और मैं जब सुबह उठती थी तो पैरों में हील्स में इतना पेन होता था कि ज़मीन पर पैर रखा नहीं जाता था। उस समय ऐसा लगता था कि अगर हमने पैर ज़मीन पर रखा तो 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल होना शुरू होता था। जब मैंने ये कैंप अटेंड किया तो उसके बाद धीरे धीरे जब हमने सब कुछ फॉलो शुरू करना शुरू किया, तो अपने आप ही गैस, एसिडिटी, थायराइड, मैंने इसके लिए कोई कभी क्योर नहीं लिया, और ये सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मेरे को भी नहीं पता कैसे ठीक हो गया ये चीज़। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरा पूरा जॉज को बंद कर दिया गया था 2 महीने के लिए, और तब मैं बिल्कुल 2 महीने के लिए नारियल पानी पे ही थी। उन 2 महीनों में मतलब मैंने, मेरा मुंह इतनी बुरी तरह से बंद था कि मैं कुछ खा ही नहीं सकती थी,
दो महीने के लिए डॉक्टर्स भी कहते थे कि आपको प्रॉब्लम होगी, आप मेडिसिंस ले लीजिए। पेन होता था क्योंकि मेरा नोज़ की हड्डी भी टूट गई थी, पूरा फेस का मैक्सिलरी बोन टूट गया था, मेरी रिस्ट टूट गई थी 6 हिस्से में, लेकिन उसमें भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब भी मैं पूजा दीदी को और आचार्य जी को ही कॉल करके पूछती थी कि अगर दर्द है तो मैं क्या करूं, और तभी आचार्य जी और पूजा दीदी ने ही मुझे बहुत हिम्मत देते थे फ़ोन करके। उसके बाद भी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि ये तो हमारे जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स ठीक हुई वो तो एक अलग चीज़ है ही, हम जब घर में होते हैं और जब हमने यहाँ पे मन की क्लासेस अटेंड की थी, तो मैं उसमें भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अब कोई मैं घर में कोई दिक्कत होती है कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ, किसी के भी साथ, तो उस समय बस दिमाग में एक चीज़ आती है, अगर पूजा दीदी होती और मैं उनसे अपनी बात शेयर कर रही होती तो मुझे किस तरह ये बात समझाती और उस चीज़ का क्या आंसर देती, तो शायद वो उस जवाब, उस चीज़ का ये जवाब देती। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम उस चीज़ को भी हैंडल करना सीख गई हूँ कि समटाइम्स आउट भी हो जाता है लेकिन अब उस चीज़ को भी हैंडल करना आ गया है। और इससे अलग मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मुझे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया था, लंप्स की दिक्कत हो गई थी 1.5 साल पहले, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैमोग्राफी कराया, उसमें लंप्स ऐसे थे कि जैसे आप अगर टच करोगे तो पेनफुल लंप्स थे। तो मैंने कोई मेडिकेशन नहीं कराया और मैं उसके बाद बिल्कुल अपने नेचुरोपैथी पे स्ट्रिक्ट फॉलो किया और मेरे को नहीं पता वो लंप्स कहाँ डिसॉल्व हो गए। मैंने कभी कोई मेडिकेशन नहीं लिया उसके लिए। मुझे उस दौरान ये पता लग गया कि मुझे नुकसान क्या कर रहा था, क्योंकि मैं ब्रेड लवर थी, मुझे ब्रेड आज भी अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए तो शायद मैं खाना शुरू कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे पता लग जाता है कि अगर मैंने ब्रेड खाई है तो मुझे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करनी शुरू कर देगी। इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इस पे विश्वास है कि अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी से ठीक हो सकता है। और मैं, मुझे कहीं भी कोई मिलता है, मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम है, तो मैं उसको रोक के बताऊं कि आप हमारे सेंटर पे जाइए और नहीं तो हमारे आप यूट्यूब के चैनल पे देखिए और उससे आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। एक चीज़ लास्ट में और शेयर करना चाहूँगी, मेरी खुद की दरानी है जो डाइटिशियन को फॉलो कर रही है, एंड शी ऑलवेज सेज कि डाइटिशियन ना हमेशा थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना देती है जिससे पेट नहीं भरता, और उससे ना उनको स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। वो सुबह डाइटिशियन के पास जाती हैं, शाम को स्किन के डॉक्टर के पास जाती हैं, और फिर उसके बाद जो उनको वैरिकोस वेन की दिक्कत है उसके लिए तीसरे डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है। और अगर वो मैंने उसको, उसने मुझे खुद ने वहाँ के बोला कि भाभी अगर मैं नेचुरोपैथी फॉलो कर रही होती तो मुझे इन तीनों डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। कल वो खुद, उसको सर्वाइकल था तो वो मेरे से सर्वाइकल की पट्टी लगवाने आई थी और वो कह रही है कल रात तक उसका सर्वाइकल बिल्कुल क्योर हो गया था सिर्फ 3 बार की पट्टी लगवाने से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2015 में मैंने फर्स्ट कैंप अटेंड किया था और उसके बाद 2017 में दूसरा कैंप अटेंड किया था। जब 2015 में कैंप अटेंड किया था उस समय गैस, एसिडिटी और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो शायद हमें उसमें पता भी नहीं थी कि प्रॉब्लम्स हैं। और जब ये कैंप मैंने अटेंड किया था तब मुझे शाइटिका था, थायराइड था, और मैं जब सुबह उठती थी तो पैरों में, हील्स में इतना पेन होता था कि ज़मीन पर पैर रखा नहीं जाता था। उस समय ऐसा लगता था कि अगर हमने पैर ज़मीन पर रखा तो 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल होना शुरू होता था। जब मैंने ये कैंप अटेंड किया तो उसके बाद धीरे धीरे जब हमने सब कुछ फॉलो शुरू करना शुरू किया तो अपने आप ही गैस, एसिडिटी, थायराइड, मैंने इसके लिए कोई कभी क्योर नहीं लिया और ये सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मेरे को भी नहीं पता कैसे ठीक हो गया ये चीज़। और इससे अलग मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मुझे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया था, लंप्स की दिक्कत हो गई थी 1.5 साल पहले, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैमोग्राफी कराया, उसमें लंप्स ऐसे थे कि जैसे आप अगर टच करोगे तो पेनफुल लंप्स थे। तो मैंने कोई मेडिकेशन नहीं कराया और मैं उसके बाद बिल्कुल अपने नेचुरोपैथी पे स्ट्रिक्ट फॉलो किया और मेरे को नहीं पता वो लंप्स कहाँ डिसॉल्व हो गए। मैंने कभी कोई मेडिकेशन नहीं लिया उसके लिए। मुझे उस दौरान ये पता लग गया कि मुझे नुकसान क्या कर रहा था, क्योंकि मैं ब्रेड लवर थी, मुझे ब्रेड आज भी
अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए तो शायद मैं खाना शुरू कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे पता लग जाता है कि अगर मैंने ब्रेड खाई है तो मुझे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करनी शुरू कर देगी। इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इस पर विश्वास है कि अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी से ठीक हो सकता है। और मैं, मुझे कहीं भी कोई मिलता है, मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम है, तो मैं उसको रोक के बताऊं कि आप हमारे सेंटर पे जाइए, और नहीं तो हमारे आप यूट्यूब के चैनल पे देखिए, और उससे आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। एक चीज़ लास्ट में और शेयर करना चाहूँगी, मेरी खुद की दरानी है जो डाइटिशियन को फॉलो कर रही है, एंड शी ऑलवेज सेज कि डाइटिशियन ना हमेशा थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना देती है जिससे पेट नहीं भरता, और उससे ना उनको स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। वो सुबह डाइटिशियन के पास जाती हैं, शाम को स्किन के डॉक्टर के पास जाती हैं, और फिर उसके बाद जो उनको वैरिकोस वेन्स की दिक्कत है उसके लिए तीसरे डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है। और अगर वो मैंने उसको, उसने मुझे खुद ने आके बोला कि भाभी अगर मैं नेचुरोपैथी फॉलो कर रही होती तो मुझे इन तीनों डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। कल वो खुद, उसको सर्वाइकल था तो वो मेरे से सर्वाइकल की पट्टी लगवाने आई थी, और वो कह रही है कल रात तक उसका सर्वाइकल बिल्कुल क्योर हो गया था सिर्फ 3 बार की पट्टी लगवाने से। थैंक यू। बच्चों को बदलने की कोशिश मत करें, उनके पीछे ना पड़ें, उनको फ्रीडम के साथ काम करने दें, फ्रीडम के साथ काम करने दें। आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके सामने रोल मॉडल बनना है। हम बच्चों के सामने बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, घर में मंगवाते हैं, और भी जो भी चीज़ें हमें पसंद हैं वो सब करते हैं। आपके टाइम में पिज़्ज़ा नहीं था, आप समोसा खाते होंगे, कुछ ना कुछ वो सब करते हैं, और बच्चों से उम्मीद करते हैं ये मैगी ना खाए, ये नुकसान करती है। सबसे पहले अपनी गलत आदतों को छोड़ दो। पहला काम, बच्चों को बदलने की कोशिश मत करो। फिर आपने अपने आप को बदला, आप आगे बढ़े। इसमें आपका वजन ज़्यादा है, आपको थायराइड है, आपको बीपी है, बच्चों को मालूम है कि है। आप बच्चों के लिए वो कर नहीं पाते जो आप करना चाहते हैं और वो आपसे चाहते हैं। जब आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा जो बच्चे आपके अंदर देखना चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनके दिमाग में कुछ होगा, ये क्या हो गया मम्मी को, ये पहले ये सब कर नहीं पाती थी, मैं कुछ बनाने को कहता था ये कहती थी थकी हुई हूँ, अब ये 4 चीज़ें भी फालतू खाती हैं, दवाई भी नहीं खाती, पहले से ज़्यादा बढ़िया दिखती भी हैं, कोई बात तो है, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं खाती। ये दूसरा तरीका, उसके सामने रोल मॉडल बन जाओ, कुछ मत करो, उसको छेड़छाड़ मत करो ज़्यादा। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे प्यार से आपकी बात मानते हों और मान जाएं, सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे पहली डाइट नारियल पानी या पेठे का जूस पिला दो। सबसे पहला काम, अगर आप पहला ड्रिंक नारियल पानी पेठे का जूस पीते हो, आपका तो 10% काम होगा, बच्चों का 25% होगा, बच्चों का 25% होगा। अगला लंच वो कितने बजे खाएगा, 11 बजे। अगर 11 बजे से पहले कोई ब्रेक होगा तो वो भी फ्रूट ब्रेक होता है आजकल स्कूल्स में, हाँ जी, उसके लिए उसको फ्रूट दे देंगे। अब जो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक में कभी उसके अंदर बादाम डाल दो, कभी किशमिश डाल दो, कभी कोई और ड्राई फ्रूट भीगे हुए डाल दो, अलग अलग वैरायटी दो, रोज़ एक जैसी दोगे बोर हो जाएंगे। कभी उसमें उबला हुआ आलू डाल दो, स्प्राउट्स के अंदर ही उबला हुआ आलू डाल दो। कभी कभी उनको ब्राउन ब्रेड के सैंडविच बना के दो, उसके अंदर ब्राउन ब्रेड के अंदर सब्जियां काट के लगा दो। एक और काम करो, जो आप मक्खन लगाते हो
वो नारियल की जो गिरी आपको हम खिला रहे हैं उसको हल्का सा मिक्सी में क्रश कर लो, चटनी सी बन जाएगी। वो चटनी को ब्रेड पे लगा दो दोनों तरफ और उसके अंदर सब्जी लगा दो, वो वाले उसको आप सैंडविच खिलाओ स्कूल में, रोज अलग चीज़। कभी उसको कंपोजिट चपाती दो, कभी उसको ब्राउन राइस दो, कभी उसको ब्राउन पोहा दो। आपको वैरायटी इतनी होगी आपको समझ नहीं आएगा क्या दूं क्या ना दूं, कब क्या दूं। अगर आपका बच्चा स्कूल में स्प्राउट्स ले गया, स्कूल में सैलेड ले गया, स्कूल से आने के बाद उसको रोटी सब्जी खिलाओ। कोशिश करो तरीका वो हो जो हमने बताया आपको। अगर वो उस तरीके से खा ले, और 99% बच्चे कंपोजिट चपाती इतने खुश होके खाते हैं कि बड़े भी नहीं खाते, उसको आलू की रोटी खिलाओ। आपको नहीं खानी आलू की रोटी, बच्चे को खिलानी है। आलू को उबाल के उसके अंदर आटा गूंध लो, उबालते आटा गूंधते समय उसमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा नमक, हल्का सा घी हल्का सा नमक मिला दो, नमक का टेस्ट आ जाएगा उसमें। उसकी रोटी बनाओ, इतनी बढ़िया इतनी नरम कभी खाई नहीं होगी। आपका बच्चा पराठा भूल जाएगा। वो उसको रोटी दो, नारियल की गिरी की रोटी दो, खीरे की रोटी दो, सर्दियों में गाजर की रोटी दो, अभी चुकंदर की रोटी दो, रोज़ अलग कलर की रोटी। हम छोटे छोटे बच्चों को कलर्स सिखाने के लिए घर में ब्लॉक्स लेके आते हैं ना, ज़रूरत नहीं है, रोटी से सिखाओ। रोटी खाएगा बच्चा, रोटी से, रोटी के अलग अलग कलर हों, उनसे कलर्स सीखेगा बच्चा, रंग सीखेगा बच्चा, उससे खाएगा। वो उसको रोटी खिलाओ शाम को 4-5। अगर वो सब्जी हमारे वाले खा ले बहुत अच्छा, और वो खाएगा। आप अभी से उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर नहीं खाएगा तो वैसी खिला दो जैसी वो खाना चाहता है। और एक और बात, अगर वो हमारे वाली सब्जी ऐसे ही रोल करके खा ले, रोटी सब्जी खाए ना, और अच्छा। चिंता मत करो, क्योंकि सब रोटी के अंदर ही सब्जी है, ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। फिर शाम को 4-5 बजे उसका मनपसंद फ्रूट खिलाओ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भी फ्रूट ना खाता हो, उसको कुछ तो पसंद होता ही है। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मैंगो खिलाओ ना, मैंगो खिलाओ बच्चों को, आपके लिए परहेज़ है, बच्चों के लिए इतना नहीं है। फिर शाम को 7 बजे उनको फिर रोटी सब्जी खिलाओ। ये हो गया एक और तरीका। इसके साथ उनके पेट के ऊपर पट्टी लगाओ दिन में एक बार, अगर कब्ज़ है तो, नहीं तो अगर ठीक ठाक हैं तो ठीक ठाक। सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन बच्चों को पार्क में लेके जाओ, कम से कम हल्के कपड़ों में, उनका सन बाथ एयर बाथ हो जाएगा। अब क्या करना है, बच्चों को खुश करने के लिए जो वो खाना चाहते हैं उसके लिए घर में एक कल्चर डेवलप करिए कि दो तरीके हैं। एक तो ये, सुबह बेटा मेरी शाम आपकी, आप दिन भर मेरे मुताबिक चलो, शाम को जो कहोगे बना के दूंगी। सुबह उसको दिन में अपनी मर्जी से चलाओ, शाम को वो आपकी मर्जी से चलेगा। दूसरा तरीका, हफ्ते के 6 दिन मेरे, अगर बच्चा बड़ा हो, 1 दिन आपका, 1 दिन जो आपने खाना है वो खिलाऊंगी। आपको पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा खिलाएंगे, आपको जो खाना है वो खिलाएंगे, 1 दिन वो करना है। और इससे ऊपर की बात सुनो, अगर आपके बच्चे की उम्र 9 साल से ऊपर है तो उसको कैंप में भेज दो, तो उसको अगले कैंप में भेज दो। कैंप में क्या होने वाला है ये पता चल गया आपको? अब ये मत सोचना कि बच्चे को समझ नहीं आएगी। जितनी बातें आपको समझ नहीं आई और जितनी आपको याद नहीं रहेंगी, वो सारी उसको समझ भी आएंगी और उसको याद भी रहेगी, और आपका भला हो जाएगा। क्योंकि जब वो कैंप से घर जाएगा आपको कोई गलती नहीं करने देगा, वो आपको कहेगा कैंप में तो ये सीख के आए हो आप, फिर आप ये गलती कर रहे हो। इस तरीके से हमने बच्चों की डाइट को और बच्चों को मेंटेन करना है, सारे काम उनकी फ्रीडम के साथ और उनकी खुशी के साथ करने हैं। आप कभी बच्चे थे, दूध पी के यहाँ तक पहुँच गए, अब बच्चों को भी पहले दूध पिला पिला के यहाँ तक पहुँचा देंगे, फिर छुड़ाएंगे क्या फ़ायदा? जब हमें पता ही चल गया वो चीज़ अच्छी ही नहीं है,
अगर बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो कच्चे नारियल की गिरी का दूध, बादाम का दूध, चार मगज का दूध पिला सकते हैं, तिल का दूध। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके मिक्सी में पीस लीजिए, उसको कपड़े में से छान के, अगर गर्म दूध पिलाना है तो गर्म पानी, ठंडा दूध पिलाना है तो मटके का पानी, और उसमें बिना मसाले का गुड़ या देसी खांड मिला दो, ऐसा दूध तैयार हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। इसी दूध का मैंगो शेक पिलाओ, बच्चा शाम को खेल के आता है, जिम जाने वाले बहुत बच्चे इस कैंप में हमारे साथ हैं, 9 साल से लेके 21-22 साल तक की उम्र के, जो ये कहना चाहते हैं हम जिम जाएं कि नहीं, वो जिम जाएं कि नहीं वो तो अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिम के फेवर में नहीं हैं, वो 8 बजे लेंगे जिनका ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो ऐसी डाइट कुछ लेना चाहते हैं, कच्चे नारियल की गिरी से दूध तैयार करके उसका मैंगो शेक लो, उसका बनाना शेक लो, आम बिना मसाले का पका हो, इतनी वैरायटी आपको दे देंगे, इतनी वैरायटी, कच्चे नारियल की गिरी के दूध से लस्सी तैयार करो, वो बच्चों को पिलाओ, आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आपको ये नहीं मतलब ये लगेगा ये चीज़ तो मैंने पिलाई नहीं अभी तक बच्चों को, इतनी वैरायटी है, कोई कमी नहीं है, और बच्चों को कोई कमी नहीं आएगी। मेरी बेटी 9 महीने की थी जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, आज वो 16 साल की है, हमने उसको कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। मेरा बेटा 2.5 साल का था, आज वो 18 साल का है, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, हमने उसको कोई कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई वैक्सीनेशन कुछ नहीं लगाया, और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों को बदलने की कोशिश मत करें, उनके पीछे ना पड़ें, उनको फ्रीडम के साथ काम करने दें, फ्रीडम के साथ काम करने दें। आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके सामने रोल मॉडल बनना है। हम बच्चों के सामने बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, घर में मंगवाते हैं, और भी जो भी चीज़ें हमें पसंद हैं वो सब करते हैं। आपके टाइम में पिज़्ज़ा नहीं था, आप समोसा खाते होंगे, कुछ ना कुछ वो सब करते हैं, और बच्चों से उम्मीद करते हैं ये मैगी ना खाए, ये नुकसान करती है। सबसे पहले अपनी गलत आदतों को छोड़ दो, पहला काम बच्चों को बदलने की कोशिश मत करो। फिर आपने अपने आप को बदला, आप आगे बढ़े, इसमें आपका वजन ज़्यादा है, आपको थायराइड है, आपको बीपी है, बच्चों को मालूम है कि है। जब आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा जो बच्चे आपके अंदर देखना चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनके दिमाग में कुछ होगा, ये क्या हो गया मम्मी को, ये पहले ये सब कर नहीं पाती थी, मैं कुछ बनाने को कहता था ये कहती थी थकी हुई हूँ, अब ये चार चीज़ें भी फालतू खाती हैं, दवाई भी नहीं खाती, पहले से ज़्यादा बढ़िया दिखती भी हैं, कोई बात तो है, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं खाती, ये दूसरा तरीका। उसके सामने रोल मॉडल बन जाओ, कुछ मत करो, उसको छेड़छाड़ मत करो ज़्यादा। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे प्यार से आपकी बात मानते हों और मान जाएं, सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे पहली डाइट नारियल पानी या पेठे का जूस पिला दो, सबसे पहला काम। अगर आप पहला ड्रिंक नारियल पानी पेठे का जूस पीते हो, आपका तो 10% काम होगा, बच्चों का 25% होगा, बच्चों का 25% होगा। अगला लंच वो कितने बजे खाएगा, 11 बजे। अगर 11 बजे से पहले कोई ब्रेक होगा तो वो भी फ्रूट ब्रेक होता है आजकल स्कूल्स में, हाँ जी, उसके लिए उसको फ्रूट दे देंगे। अब जो लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक में कभी उसके अंदर बादाम डाल दो, कभी किशमिश डाल दो, कभी कोई और ड्राई फ्रूट भीगे हुए डाल दो, अलग अलग वैरायटी दो, रोज़ एक जैसी दोगे बोर हो जाएंगे।
कभी उसमें उबला हुआ आलू डाल दो, स्प्राउट्स के अंदर ही उबला हुआ आलू डाल दो, कभी कभी उनको ब्राउन ब्रेड के सैंडविच बना के दो, उसके अंदर ब्राउन ब्रेड के अंदर सब्जियां काट के लगा दो। एक और काम करो, जो आप मक्खन लगाते हो वो नारियल की जो गिरी आपको हम खिला रहे हैं उसको हल्का सा मिक्सी में क्रश कर लो, चटनी सी बन जाएगी, वो चटनी को ब्रेड पे लगा दो दोनों तरफ और उसके अंदर सब्जी लगा दो, वो वाले उसको आप सैंडविच खिलाओ स्कूल में, रोज अलग चीज़। कभी उसको कंपोजिट चपाती दो, कभी उसको ब्राउन राइस दो, कभी उसको ब्राउन पोहा दो, आपको वैरायटी इतनी होगी आपको समझ नहीं आएगा क्या दूं क्या ना दूं, कब क्या दूं। अगर आपका बच्चा स्कूल में स्प्राउट्स ले गया, स्कूल में सैलेड ले गया, स्कूल से आने के बाद उसको रोटी सब्जी खिलाओ, कोशिश करो तरीका वो हो जो हमने बताया आपको। अगर वो उस तरीके से खा ले, और 99% बच्चे कंपोजिट चपाती इतने खुश होकर खाते हैं कि बड़े भी नहीं खाते, उसको आलू की रोटी खिलाओ, आपको नहीं खानी आलू की रोटी, बच्चे को खिलानी है। आलू को उबाल के उसके अंदर आटा गूंध लो, आटा गूंधते समय उसमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा नमक, हल्का सा घी हल्का सा नमक मिला दो, नमक का टेस्ट आ जाएगा उसमें, उसकी रोटी बनाओ, इतनी बढ़िया इतनी नरम कभी खाई नहीं होगी। आपका बच्चा पराठा भूल जाएगा, वो उसको रोटी दो, नारियल की गिरी की रोटी दो, खीरे की रोटी दो, सर्दियों में गाजर की रोटी दो, अभी चुकंदर की रोटी दो, रोज़ अलग कलर की रोटी। हम छोटे छोटे बच्चों को कलर्स सिखाने के लिए घर में ब्लॉक्स लेके आते हैं ना, ज़रूरत नहीं है, रोटी से सिखाओ। रोटी खाएगा बच्चा, रोटी से, रोटी के अलग अलग कलर हों, उनसे कलर्स सीखेगा बच्चा, रंग सीखेगा बच्चा, उससे खाएगा वो, उसको रोटी खिलाओ। शाम को 4-5 अगर वो सब्जी हमारे वाले खा ले बहुत अच्छा, और वो खाएगा, आप अभी से उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर नहीं खाएगा तो वैसी खिला दो जैसी वो खाना चाहता है। और एक और बात, अगर वो हमारे वाली सब्जी ऐसे ही रोल करके खा ले, रोटी सब्जी खाए ना, और अच्छा, चिंता मत करो, क्योंकि सब रोटी के अंदर ही सब्जी है, ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। फिर शाम को 4-5 बजे उसका मनपसंद फ्रूट खिलाओ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भी फ्रूट ना खाता हो, उसको कुछ तो पसंद होता ही है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मैंगो खिलाओ ना, मैंगो खिलाओ बच्चों को, आपके लिए परहेज है, बच्चों के लिए इतना नहीं है। फिर शाम को 7 बजे उनको फिर रोटी सब्जी खिलाओ। ये हो गया एक और तरीका। इसके साथ उनके पेट के ऊपर पट्टी लगाओ दिन में एक बार, अगर कब्ज है तो, नहीं तो अगर ठीक ठाक हैं तो ठीक ठाक। सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन बच्चों को पार्क में लेके जाओ, कम से कम हल्के कपड़ों में, उनका सन बाथ एयर बाथ हो जाएगा। अब क्या करना है, बच्चों को खुश करने के लिए जो वो खाना चाहते हैं उसके लिए घर में एक कल्चर डेवलप करिए कि दो तरीके हैं, एक तो ये सुबह बेटा मेरी शाम आपकी, आप दिन भर मेरे मुताबिक चलो, शाम को जो कहोगे बना के दूंगी। सुबह उसको दिन में अपनी मर्जी से चलाओ, शाम को वो आपकी मर्जी से चलेगा। दूसरा तरीका, हफ्ते के 6 दिन मेरे, अगर बच्चा बड़ा हो, 1 दिन आपका, 1 दिन जो आपने खाना है वो खिलाऊंगी, आपको पिज्ज़ा खाना है पिज्ज़ा खिलाएंगे, आपको जो खाना है वो खिलाएंगे, 1 दिन वो करना है। और इससे ऊपर की बात सुनो, अगर आपके बच्चे की उम्र 9 साल से ऊपर है तो उसको कैंप में भेज दो, तो उसको अगले कैंप में भेज दो। कैंप में क्या होने वाला है ये पता चल गया आपको? अब ये मत सोचना कि बच्चे को समझ नहीं आएगी, जितनी बातें आपको समझ नहीं आई और जितनी आपको याद नहीं रहेंगी वो सारी उसको समझ भी आएंगी और उसको याद भी रहेगी और आपका भला हो जाएगा, क्योंकि जब वो कैंप से घर जाएगा आपको कोई गलती नहीं करने देगा, वो आपको कहेगा कैंप में तो ये सीख के आए हो आप, फिर आप ये गलती कर रहे हो। इस तरीके से हमने बच्चों की डाइट को और बच्चों को मेंटेन करना है।
सारे काम उनकी फ्रीडम के साथ और उनकी खुशी के साथ करने हैं। आप कभी बच्चे थे, दूध पी के यहाँ तक पहुँच गए, अब बच्चों को भी पहले दूध पिला पिला के यहाँ तक पहुँचा देंगे, फिर छुड़ाएंगे, क्या फ़ायदा? जब हमें पता ही चल गया वो चीज़ अच्छी ही नहीं है। अगर बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो कच्चे नारियल की गिरी का दूध, बादाम का दूध, चार मगज का दूध पिला सकते हैं, तिल का दूध। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके मिक्सी में पीस लीजिए, उसको कपड़े में से छान के, अगर गर्म दूध पिलाना है तो गर्म पानी, ठंडा दूध पिलाना है तो मटके का पानी, और उसमें बिना मसाले का गुड़ या देसी खांड मिला दो, ऐसा दूध तैयार हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। इसी दूध का मैंगो शेक पिलाओ, बच्चा शाम को खेल के आता है, जिम जाने वाले बहुत बच्चे इस कैंप में हमारे साथ हैं, 9 साल से लेके 21-22 साल तक की उम्र के, जो ये कहना चाहते हैं हम जिम जाएं कि नहीं। वो जिम जाएं कि नहीं वो तो अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिम के फेवर में नहीं हैं, वो 8 बजे लेंगे जिनका ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो ऐसी डाइट कुछ लेना चाहते हैं, कच्चे नारियल की गिरी से दूध तैयार करके उसका मैंगो शेक लो, उसका बनाना शेक लो, आम बिना मसाले का पका हो, इतनी वैरायटी आपको दे देंगे, इतनी वैरायटी। कच्चे नारियल की गिरी के दूध से लस्सी तैयार करो, वो बच्चों को पिलाओ, आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आपको ये नहीं मतलब ये लगेगा ये चीज़ तो मैंने पिलाई नहीं अभी तक बच्चों को, इतनी वैरायटी है, कोई कमी नहीं है, और बच्चों को कोई कमी नहीं आएगी। मेरी बेटी 9 महीने की थी जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, आज वो 16 साल की है, हमने उसको कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। मेरा बेटा 2.5 साल का था, आज वो 18 साल का है, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, हमने उसको कोई कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई वैक्सीनेशन कुछ नहीं लगाया, और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं।